रोला ही नहीं पहना तुमने, ठीक है, सीधा बोलो लाइव क्लास में आओ एंड जो भी डाउट्स अपने क्लियर कर लो, ठीक है। जैसे अपना अभी तक चल रहा है लाइक मैं तुम्हें इंसिस्ट करती हूँ असाइनमेंट कर लो असाइनमेंट कर लो, एंड काफी सारे स्टूडेंट्स जो है मुझे अपना असाइनमेंट शेयर भी करते हैं, एंड आई रियली अप्रिशिएट बच्चों कि आप लोग सीरियसली ले रहे हो चीजें। सेम थिंग मैं यही बोलूंगी कि प्लीज थ्रू आउट द ईयर इसी तरीके से अपनी सिंसेरिटी दिखाना अपने टीचर्स को, ठीक है, उनको भी लगे कि हाँ ये एक पर्टिकुलर बच्चा है जो कि काफी ज्यादा सीरियस है नीट के एग्जाम को लेके, ठीक है। सो जैसे जैसे चीजें चलती जा रही है उसको बिल्कुल वैसे फॉलो करते जाओ और बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा तुम लोगों का, आई एम प्रीटी मच श्योर बेटा। एंड तुम लोगों को ये भी मालूम है कि बस अब तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगने वाली हैं, थोड़े दिन में तुम्हें ओरिएंटेशन होगा तुम लोगों का, वहां पे फिर बता दिया जाएगा। सो यानी कि एक महीने तक तो तुम्हारी एक दिन में दो क्लासेस लगेंगी ही लगेंगी, ठीक है। और बाकी तुम लोगों को पता ही है, मैंने कुछ बच्चों से जैसे बात भी करती हूँ तो मैंने आपको कहा ही था कि इनकेस अगर टीचर आपको, स्पेशली मैं अपनी बात करूँ तो मेरे को, मैं तो खुद चाहूंगी कि आप थ्रू आउट द ईयर एक दिन में दो क्लासेस लो, अगर तुम इफेक्टिवली अपना सिलेबस कवर करना चाहते हो 12th और 11th का, तो मैं यही बोलूंगी कि जो आ सकता है वो आना बेटा, ठीक है। स्कूल के बाद ट्राई करो कि जो अपना ट्यूशन वगैरह कहीं और जाते हो तो उसकी नीड ही नहीं है आपको। हो सकता है कि कोई बच्चा बोर्ड्स के लिए ट्यूशन लेता हो ये सोच के कि यहाँ पे तो नीट के लिए कोचिंग प्रोवाइड की जाती है, तो अपना कि हमारा कहीं कॉम्प्रोमाइज ना हो जाए बोर्ड्स के साथ, तो इतना मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि आपका बोर्ड का तो होगा नहीं बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज, बिकॉज इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट, तो अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो बोर्ड्स के लिए तो ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा और आपका, और बहुत अच्छा स्कोर आता है बच्चों का। इस साल भी जो मेरे से बच्चे पढ़े थे, यही की बात कर रही हूँ मैं, अवंती में भी, उन्होंने कोई ट्यूशन नहीं रखवाया था, वो सिर्फ क्लास में ही आते थे, उनका नीट में भी 600 प्लस स्कोर आया है एंड उनके बोर्ड्स में भी 90% अबव आए हैं, ठीक है। सो इसकी टेंशन मत लेना। सो इसलिए मैं चाहती हूँ कि अपना पूरा टाइम आप स्कूल जाते हो, ठीक है जाओ, अगर स्कूल में भी मान लो इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है तुम्हारा स्कूल में, तो सैटरडे का ट्राई टू टेक ऑफ ऑफ लेने का ट्राई किया करो, एंड अवंती क्लासेस जो है वो अपना रेगुलरली लो, रेगुलरली बेसिस पे लो, कंसिस्टेंट रहो, एंड उसके बाद जो टाइम बनता है वो अपने सेल्फ स्टडी को दो, ठीक बात है। चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे चलते हैं। सो आज का लेक्चर नंबर अपना 4 रहेगा, 4 5 मैम 4 4 ही है। सो बेसिकली आज अपना 4th लेक्चर है, 3 लेक्चर हो चुके हैं ऑलरेडी जिसमें मैंने अभी तक तुम लोगों को क्या क्या कवर करा दिया, लाइक सॉल्यूशन के टाइप्स कवर करा दिए, रोल्स लॉ कवर करा दिया, कंसंट्रेशन टर्म्स भी डिस्कस कर लिया, आइडियल सॉल्यूशन भी हमने वैसे डिस्कस कर लिया तो उसको एक बार दोबारा बता दूंगी, ठीक है। सो आज का हमारा लेक्चर नंबर 4 है, एंड लेक्चर नंबर 4 में मैं आपसे क्या डिस्कस करूंगी, मैं आपसे हाई अक्षय गुड इवनिंग, मैं आपसे आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करूंगी, एज यू ट्रोप्स हमें पढ़ने हैं मैम, क्या होता है वो तो क्लास के दौरान ही पता चलेगा, एंड यहाँ पे ट्राई करेंगे कि अपना टाइम पे ये चीजें हो जाए, तो मैं आज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में भी तुम लोगों को बता दूंगी, ठीक है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज थोड़ा अपने आप में लंबा टॉपिक है, तो कम से कम ये लगा लो 3-3.5 घंटे लगेंगे अपन को कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कंप्लीट करने में। सो जिसमें से एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ट्राई करेंगे आज कंप्लीट करने की, एंड सेम क्वेश्चंस होंगे, वेटेज तुम लोगों को पता है अच्छे से, तुम्हारी नोटबुक जब भी तुम अपने नोट्स बनाना स्टार्ट करते हो किसी भी चैप्टर का, उसका वेटेज वहां पे लिखा होना चाहिए, और ये भी लिख देना कि मैम ने कहा था कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इस साल 2025 में इतने बनेंगे, ताकि अकॉर्डिंगली आप उस लेक्चर को क्या करो मेरा बेटा प्रिपेयर करो, ठीक है। सो दीज आर सम स्टूडेंट्स ऑफ माइन जिन्होंने बहुत अच्छा किया है, टूडेज नेम्स ऑफ स्टार स्टूडेंट्स, ठीक है। इसके अलावा भी कोई मिस आउट हो गया है तो प्लीज डू लेट मी नो, मुझे बता देना, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक भी बच्चा जिसने होमवर्क शेयर कर दिया है लेकिन उसका नाम नहीं है, तो प्लीज मेरे को बता देना। हर्षिता, प्रखर, तमनप्रीत, गिरिजा, काजल, रानी, जानवी, मोनिका, प्रियंका, अपूर्वा, सिद्रा, अक्षय, अपेक्षा एंड अक्षरा, ठीक है। तो इन स्टूडेंट्स ने मुझे होमवर्क शेयर कर दिया, मैंने सबका होमवर्क देख लिया, एंड जो कॉमन डाउट्स हैं आप लोगों के वो भी मैंने देख लिए, एंड आई रिक्वेस्ट यू टू ऑल बच्चों, अगर आप सच में अपने नीट के लिए सीरियस हैं, अपना नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो प्लीज अपने टीचर्स की बात फॉलो करो। अगर आपको लग रहा है यूट्यूब पे लेक्चर्स देख लेंगे तो यूट्यूब के टीचर्स आपको गाइडेंस नहीं दे रहे हैं,
वो आपको पढ़ा रहे हैं नो डाउट, बट आपको वो गाइडेंस नहीं दे रहे हैं। वो ये नहीं बता रहे हैं कि आपको होमवर्क कैसे करना है, वो ये नहीं बता रहे कि टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको क्या करना है, ठीक है। सो प्लीज ट्राई टू बी सीरियस, जो टीचर बता रहा है उसको प्लीज फॉलो करो। मल्टीपल चीजों में फंसोगे तो कुछ नहीं होगा बेटा, आप सोचोगे ये भी कर लें वो भी कर लें, तो ऐसा तो नहीं होने वाला है, ठीक है। चलो ओके, जो आपके डाउट्स है मैं ले रही हूँ। तो फर्स्ट आपका यही डाउट था आई गेस, देखना एक बार यही क्वेश्चन था जो बच्चों ने मेरे को बहुत डाउट पूछा था। यस मैम, यस सर। कोई ऐसा भी स्टूडेंट है जिसका ये हो गया था क्वेश्चन? यस मैम, ये हो गया। अ मिक्सचर ऑफ एंड टू एंड आर्गन, ओके हो गया था। हर्षदा तुम बताओगी फिर कैसे किया था बेटा? यस मैम। हाँ बताइए बेटा। मतलब मैंने राउल्स लॉ यूज किया था। राउल्स लॉ हमें मालूम है कि टोटल पार्शियल प्रेशर एग्जर्टेड बाय गैस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन और टोटल प्रेशर एग्जर्टेड बाय गैस, दैट इज पी ए इज इक्वल्स टू काई ए एंड पी टोटल। तो मतलब 14 ग्राम ऑफ एन टू हमें पहले दिया हुआ है, तो गिवन मास है, मोलर मास हमें पता है 28 ग्राम है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे वो काई ए हो गया। फिर वन माइनस काई ए काई बी निकालेंगे, नहीं मैम काई बी की जरूरत नहीं है, काई ए हो गया। फिर पी ए इज इक्वल्स टू काई ए और पी टोटल, तो टोटल प्रेशर हमें क्वेश्चन में दिया गया है 52 बार और काई ए की वैल्यू क्या आ रहा है, आंसर क्या आ रहा था हर्षदा? 28.9 समथिंग आ रहा था, ओके। सो बच्चों इसको एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देखो, आपसे बोला है अ मिक्सचर ऑफ एन टू एंड आर्गन गैसेस इन सिलेंडर, मतलब एक सिलेंडर है जिसमें तुम्हारा एन टू और आर्गन है, उसमें 14 ग्राम तो एन टू है एंड 16 ग्राम आर्गन है। वो कह रहे हैं कि जो टोटल प्रेशर है, अब जो प्रेशर किसकी वजह से होगा बेटा, प्रेशर जो होगा वो किसकी वजह से होगा, नाइट्रोजन के पार्शियल प्रेशर की वजह से और आर्गन के पार्शियल प्रेशर की वजह से। वो कितना दिया हुआ है तुम्हें, 52 बार दिया हुआ है, ठीक है। आपको बताना है पार्शियल प्रेशर ऑफ एन टू बताना है, ठीक है। आपको एटॉमिक मास दिए हुए हैं, मैंने याद करो बताया था कि जो डाल्टन्स लॉ था वो किसके लिए था, गैसेस के लिए था, यस और नो? और गैसेस में हम क्या यूज कर रहे थे, मोल फ्रैक्शन वाई और वाई भी यूज कर रहे थे, यस और नो? यस मैम। तो यानी कि हम मान लेते हैं N2 के लिए जो y है वो yn2 हो जाएगा, तो yn2 क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ n2 डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर, यस और नो? यस मैम। यही निकालना है अब, इसी को निकालना है, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ n2, इसके लिए तुम्हें क्या चाहिए, उसके लिए तुम्हें मोल फ्रैक्शन चाहिए n2 का, ठीक है, उसके लिए तुम्हें टोटल प्रेशर चाहिए। तो क्या निकल सकता है क्या ये? यस मैम, टोटल प्रेशर तो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। अब वाई ऑफ n2 कैसे निकलेगा बच्चे, बस यही तो करना था इसमें, देखो इधर गिवन मास अपॉन मोलर। हाँ तो ये हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ n2 इन वेपर फेज, ठीक है। अच्छा तो मोल फ्रैक्शन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ n2 क्या होगा, गिवन मास बाय मोलर मास, दैट इज 14/28 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आर्गन, दैट इज 16/40, यस और नो? यस मैम। अब तुम जो y n2 निकाल के आओगे वो यहाँ पे पुट कर देना एंड मल्टीप्लाई कर देना उसको टोटल प्रेशर से, यू विल गेट योर आंसर, तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। बोलो हाँ के ना? Yes, बोलो हाँ के ना? हो जाएगा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो इसका आंसर की मैं एक बार चेक कर लेना क्या आंसर था, तो तुम लोग बोलो 28.9 था, तो इसका 28.9 निकल जाएगा तुम्हारा, ठीक है। हो सकता है, मान लो आप अप्रोक्सीमेशन अगर थोड़ा ले रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपका, अगर 29 भी आ रहा है या 30 के आसपास भी आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बी के आसपास ये आंसर है तो उसको टिक मार्क करके आ जाइएगा। क्लियर है बेटा ये क्वेश्चन, जल्दी से बताइए। यस मैम। ठीक है बच्चों, जो लेट ज्वाइन कर रहे हैं प्लीज बेटा लेट ज्वाइन मत करो, है ना, प्लीज ट्राई टू बी एक्टिव। ओके प्रिया, राहुल, ओके स्नेहा भी आ गई आज, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एंड ये थोड़ा लेवल हाई लेवल का क्वेश्चन है। कौन सा लेवल का? हाई लेवल क्वेश्चन है, ठीक है। चलो एक बार पढ़ना है इसको बेटा, एक बार इसको पढ़ने की ट्राई कीजिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 को, ये भी तुम लोगों का डाउट था, ये भी तुम लोगों का डाउट था। किसी का हुआ है ये क्वेश्चन सोल्व? यस मैम। भाई तुमने 10 में से पहले तो ये बताओ किए कितने सोल्व है, 3 या 4? मैम ये वाला किया था मैंने, बट मुझे नहीं पता सही किया कि गलत।
हाँ मोनिका तुम बताओ, कोई नहीं मैं बताती हूँ सही क्या है, नहीं बताओ मैम। इसमें टोटल निकालना था ना, तो मैंने पहले पी नॉट ए लिख लिया था कि यहाँ पे दिया था कि आइडियल सॉल्यूशन जिसमें टू लिक्विड्स है ना, मतलब एक लिक्विड ए और लिक्विड बी है। तो लिक्विड ए का उन्होंने दिया हमें पार्शियल प्रेशर दिया है 100 टोर एंड लिक्विड बी का दिया था हमें 1000 टोर, और हमें बाद में काई ए एंड काई बी भी यहाँ पे गिवन था 1 मोल था एक का एंड दूसरे का हमें दिया था 4 मोल। तो उससे मैंने मतलब हमें मोल्स दिए थे ना, तो हमने मोल फ्रैक्शन मैंने फिर पी टोटल निकालने के लिए मैंने पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी वाला फॉर्मूला पुट करा था। देन उसमें मैंने 100 इंटू 1/5 करा एंड प्लस 200 इंटू 4/5 करा, तो मेरा आंसर मैम 180 आया था। 180, बट इसका आंसर आएगा शायद 188.8, है ना? पता है तुमने क्या? हाँ और बोलो, और कैसे किए बताओ मैम। मैंने भी ऐसे किया और मेरा भी यही आंसर है 180। ओके गिरिजा, आपने किसी और तरीके से किया बेटा? सेम, इधर आओ, इधर आओ बेटा। तुमने एक चीज मिस आउट कर दी, वो क्या मिस आउट किया? ये तो तुमने सपने सही देख लिया। लाइक इसमें देखो तुम्हें बोला क्या हुआ निकालने के लिए, टोटल वेपर प्रेशर किसका निकालना है तुम्हें? डिस्टिलेट का। डिस्टिलेट का मतलब क्या हो गया? तुम्हें कंडेंसेशन निकालना है इस केस में, ठीक है? आपको पता है जैसे ही आपका जो लिक्विड है वो वेपोरेट होगा तो उसके बाद क्या होगा, वो कंडेंस होगा, है ना? कंडेंस होके अगर आप, तो आपको बेसिकली वेपर प्रेशर निकालना था उस फेज में, वेपर फेज में निकालना है। तो उस केस में आप क्या करोगे बेटा? टोटल वेपर प्रेशर तो निकालोगे, तुम कह रहे हो कि 180 आ गया, ये है ना, यही आया और तुमने आंसर मार्क कर दिया। लेकिन बेटा इसमें मुझे क्या चाहिए, इसमें मुझे वाई ए भी निकालना पड़ेगा और वाई भी निकालना पड़ेगा। तो वाई ए मेरे पास क्या आ जाएगा, 20/180, यस और नो, दैट इज 1/9। और वाई बी क्या आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा 160/180, यस और नो। तो ये आ जाएगा 16 पे, किस पे जाएगा ये, 2/8 2/9 पे जाएगा, 8/9 आ जाएगा, ठीक है? अब तुम्हें क्या निकालना है, टोटल वेपर प्रेशर किसका निकालना है, डिस्टिलेट का ना। तो यानी कि P टोटल इज इक्वल टू, ये लिख लेना अपनी नोटबुक में फॉर्मूला लिख लेना, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ डिस्टिलेट क्या होगा, पी नोट ए वाई ए प्लस पी नोट बी वाई बी। अब तुम जब वैल्यू पुट करोगे ना बेटा, एकदम मजे से आएगा तुम्हारा 188.8 सबसे का, ठीक है? यस और नो? Yes, ma'am. अगर आप क्लास में डेली, अगर क्लास में आप रेगुलर आएंगे तो ही आपको समझ में आएगा चल क्या रहा है क्लासेस में। अगर आप लोग मान लो बीच में 3 या 4 दिन नहीं आ रहे हैं, रिकॉर्डिंग भी नहीं देख रहे हैं जो कि अपलोड हो जाती है, आपको शीट भी मैंने शेयर कर रखी है, तो फिर नहीं देख के आएंगे तो ट्रस्ट में कुछ समझ में भी नहीं आएगा कि चल क्या रहा है क्लास में। तो आपको पढ़ के तो आना पड़ेगा घर से, तभी समझ में आएगा कि क्लास में हो क्या रहा है, ठीक है? चलो उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। एक बार इसको नोट डाउन कर लो बच्चे, फिर मैं फॉर्मूला आपने दिया है उसमें वैल्यूज पुट अप करके सॉल्व करना है ना? हाँ हाँ हाँ, वाई ए है तुम्हारे पास, वाई बी है, पी नोट ए है, पी नोट बी है, आपके पास टोटल पेपर प्रेशर आ जाएगा डिस्टिलेट का। मैम वाई ए और वाई बी वाला गिरजा, जो वाई ए और वाई बी है ना, ये है मोल फ्रैक्शन इन केस ऑफ वेपर फेज, मतलब जब आपका हमें कंपोजिशन चेक करना है वेपर फेस में कितना है, लाइक हमें मोल फ्रैक्शन चेक करना है वेपर फेस में कितना है। तो जैसे काई ए काई भी होता था वैसे ही वाई ए वाई भी होता है, ठीक है? सो वाई ए होता है पी ए, एक मिनट, वाई ए होता है पी ए बाय पी टोटल एंड वाई बी क्या होता है पी बी बाय पी टोटल, मतलब जिसका भी आपको निकालना है, ठीक है? हाँ क्वेश्चन 3 करा रही हूँ। हाँ बोलो, कोई कुछ कह रहा था बेटा? मैम यहाँ पे वाई ए में 20 भी लिखा हूँ, 20/180 फॉर्मूला यूज करके आ जाओगे, ठीक है? तो मैंने उस टाइम नहीं लिखवाया था, आप अपने नोट्स में लिख लो, ठीक है बेटा? यस मैम। चलो गिरिजा, ठीक है बेटा? ओके आगे चलते हैं, हो गया? कर दूं इरेज क्योंकि थर्ड क्वेश्चन भी कराना है। यस मैम। यस ओके, थर्ड क्वेश्चन रीड करो सारे बच्चे एक बार। एंड क्लास को एक्सटेंड कर सकती हूँ बेटा मैं, ठीक है? सो प्लीज थोड़ा सा आराम से बैठ। हाँ जी, तो क्या बोल रहा है बेटा वो, एन एक्वस कंटेनिंग लिक्विड ए, ठीक है? आपके पास एक्वस सॉल्यूशन है जिसमें लिक्विड ए है,
ठीक है, तो एक्वा सॉल्यूशन के बारे में वो क्या बोल रहा है, कितना है वो 64% बाय मास। इसका मतलब क्या हुआ, 64% बाय मास का मतलब 64 ग्राम सॉल्यूशन, जो भी किस सॉल्यूट का भी है, प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, 64 ग्राम ए प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, 100 ग्राम सॉल्यूशन आपको सॉल्वेंट क्या आ जाएगा इसमें, 100 माइनस 64 कितना आ जाएगा, 36 हो गया बात। अब वो आपसे क्या पूछ रहा है, जो सॉल्यूट है उसका उन्होंने क्या दिया हुआ, मोलर मास दिया हुआ है, ठीक है मैम, वेपर प्रेशर भी दिया हुआ है, यानी कि टोटल वेपर प्रेशर तुम्हें गिवन है सॉल्यूशन का, ठीक है। आपको क्या निकालना है, फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ ए, ए निकालना आपको, एंड वॉटर का आपको दिया हुआ है 155 mm एट द सेम टेम्परेचर, ठीक है। सो कैसे करेंगे बच्चे, इधर आओ, टी टोटल क्या होता है ए प्लस बी, ठीक है। सो बेसिकली इधर आओ, तो बेसिकली एक तो हमारे पास कोई ए है, उसका चाहिए मुझे काइनोट ए, ठीक है, प्लस एक्वस है यानी कि पानी होगा सॉल्वेंट, एक और तो वॉटर का मैं लिख देती हूँ ऐसे, ठीक बात है क्या, यस मैम, ठीक है। माइक म्यूट कर लीजिए बेटा जिसका अनम्यूट है, ठीक है। अब आपके पास पीनोट है क्या, दिया हुआ है क्या, यस मैम 145 दिया हुआ है, क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकल जाएगा, यस मैम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए क्या होगा, गिवन मास बाय मोलर मास कितना दिया हुआ, 128, डिवाइडेड बाय 64 बाय 128, और ये कितना हो जाएगा सॉल्वेंट का मास, गिवन मास, क्योंकि वॉटर है तो मोलिकुलर मास पानी का आ जाएगा, का ये आ जाएगा यहाँ से, हाँ और ना, यस मैम, ठीक है। पी नोट ऑफ वॉटर दिया हुआ है, यस मैम दिया हुआ है 155, क्या काई ऑफ वॉटर आ जाएगा, अगर तुम्हारे पास काई ऑफ ए आ जाएगा, वन में से माइनस कर देना, काई ऑफ वॉटर आ जाएगा तुम्हारे पास, तुम्हारा क्या आ जाएगा, निकालना क्या था अपने को, फाइंड द वेपर प्रेशर, एक मिनट रुको, 145 तो टोटल वेपर प्रेशर दिया हुआ है ना, ठीक है, तो ये निकालना था, निकाल दोगे अब, यस मैम, 105 इसका आंसर आ जाएगा। तो मैंने तुम्हें अप्रोच बता दिया, अब तुम्हें क्या काम करना है, तुम्हें सिर्फ काम करना है इसको सोल्व करने का, तो अगर किसी ने सोल्व नहीं किया था अभी मत सोल्व करना, क्योंकि अभी फिर उसमें ही उलझ जाओगे तुम लोग, घर जाके इसको सोल्व कर ले, मतलब क्लास के बाद, क्लियर है बेटा, क्वेश्चन एंड क्वेश्चन थ्री को भी। तो बेटा एक चीज हमेशा ध्यान रखना, मैंने आपको सब पढ़ाया हुआ है, अगर मान लो अगर मेरे को इनकेस ऐसा क्वेश्चन नजर आता है कि ये तो मैंने क्लास में बताया ही नहीं, जैसे एक टेंथ वाला था, वो भी मैंने कॉन्सेप्ट समझाया ही नहीं, तो आप कर ही नहीं पाओगे, लेकिन जो मुझे लग रहा है कि ठीक है कि थोड़ा डिफिकल्ट है, वो हम क्लास में डिस्कस कर सकते हैं, उसके अलावा आप ट्राई करिए करने का, नहीं होता है तो मैं नेक्स्ट डे आपको सोल्यूशन भेज देती हूँ, उसको करने का ट्राई करो, छोड़ना नहीं है आपको। अगर मान लो 10 क्वेश्चन में से तुम्हारे 4 हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि 6 के 6 को छोड़ दोगे, ना बाबा नहीं, 6 को छोड़ दिया और वही पेपर में आ जाएगा, फिर क्या करोगे। तो अगर मान लो 10 में से तुम्हारे 5 क्वेश्चंस हुए एंड 5 क्वेश्चंस नहीं हुए, तो यू हैव टू मार्क द स्टार ऑन दैट 5 क्वेश्चन, तुम्हें वो जो 5 नहीं हुए हैं उस पे स्टार मार्क करना है कि जब मैंने पहले टाइम खुशबू मैम ने मुझे एक क्वेश्चन दिया था, मेरा सोल्व नहीं हुआ था, क्लियर है। तो जब आप वापस उस चैप्टर का रिवीजन करने आओगे, तो ये जो स्टार मार्क वाले क्वेश्चन है उनको दोबारा से नोटबुक में सोल्व करोगे ही करोगे, तभी वो आपका स्ट्रोंग होगा, वरना पूरे साल यूं का यूं पड़ा रह जाएगा। मेरे साथ हर साल ऐसा होता है, मेरे को जितने साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, बच्चे पहले तो स्टार मार्क करते नहीं है, फिर साल के एंड में सेम मेरे से वही क्वेश्चन पूछते हैं जो मैंने क्लास में सोल्व कराया था। तो ये चीजों का थोड़ा सा बेटा आपको ध्यान रखना है, ये बहुत अच्छी अप्रोच होती है बेटा, जितने जो क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहे हैं फर्स्ट टाइम में, उस पे मार्क कर दो स्टार, खत्म कहानी। चलो आगे चलें। अच्छा ये दोबारा से, ये तो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, ठीक है, चलो हो गया। अच्छा तो मैंने लास्ट क्लास में आपको क्या बता दिया था, लास्ट क्लास में मैं आपको रोल स्लो बता रही थी, यस और नो, यस क्या था, जो मेरा सोल्यूट और सोलवेंट था बोथ आर वोलेटाइल लिक्विड था, मैं लिक्विड इन लिक्विड की बात कर रही थी, यस और नो, यस मैम। तो जो हमने टोटल प्रेशर देखा था दैट वाज पी नोट ए काई ए प्लस पी नोट बी काई बी, यही था हमारे पास, यस मैम, यस मैम।
ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। वाई ए वाई बी हम किस केसेस में लगाते हैं, काई बी क्या होता है, वाई ए वाई बी क्या होता है, ये चीज ध्यान होनी चाहिए। और अगर मैं आइडियल सॉल्यूशन की बात करूं तो आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, आइडियल सॉल्यूशन रोल्स लॉ को क्या करते हैं, ओबे करते हैं, ओबे करते हैं। यस, तो इसमें मैंने क्या बताया था कि डेल्टा जी मिक्सिंग लेस देन जीरो होगा, डेल्टा एस मिक्सिंग क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा, और डेल्टा वी और डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होगा, जीरो। तो यही बातें की थी मेरा बेटा। यस सर, हाँ जी, चलो एक मैम दे दो। मैम, हाँ जी बेटा। मैम जो आपने असाइनमेंट दी थी उसमें एक सेवेंथ क्वेश्चन था मैम, वो ट्राई किया बट वो हुआ नहीं। कौन सा था मैम? जिसमें एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट था और हमने वही नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन निकालने थे। बच्चे वो अभी नहीं करना क्योंकि वो मैंने कॉन्सेप्ट नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वाला अभी समझाया ही नहीं है ना। ओके मैम, जब समझा दूंगी तो हो जाएगा बेटा। ओके मैम। बेटा मैंने डीपीपी के गिरे से सारे डाउट्स ले लिए, यही तीन डाउट मेजर थे जो तुम लोगों की साइड से आ रहे थे, बट अगर तुम्हारे और भी डाउट है तो प्लीज मेरे को एक बार बता देना, मैं क्लास के बाद में ले लूंगी। ठीक है, चल चले बेटा आगे फिर नॉन आइडियल सॉल्यूशन पे। सो आइडियल सॉल्यूशन मैंने कहा था रियल लाइफ में आइडियल जैसा कुछ नहीं होता है, लेकिन हम कैसे बता रहे थे कि कौन सा सॉल्यूशन आइडियल है, अगर उनका जो स्ट्रक्चर है, उनका जो साइज है वो सिमिलर है तो हम बोल सकते थे कि वो नियरली आइडियल बिहेवियर शो करेगा। ठीक है, और जो रोल्स लॉ को ओबे करता था वो आइडियल आता था। तो मेरे को रानी बताओ, एक आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल बता दो। रानी बताएगी, रानी विल ओनली टेल मी, एक आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल। हाँ जल्दी से बताओ, जो पन्ना नहीं पलटना, पन्ने नहीं पलटना। नहीं पलट रही मैम। जो बच्चे लेट ज्वाइन कर रहे हैं बेटा, जो बच्चे लेट ज्वाइन कर रहे हैं प्लीज क्लास के बाद मुझे अपना रीजन बता दीजिएगा कि आप लोग लेट क्यों आ रहे हैं, कि आपका कोई ट्यूशन था या स्कूल से ही लेट आए हो बेटा, प्लीज टेल मी आफ्टर द क्लास। ठीक है, हाँ अपेक्षा, रानी वेरी डिसअपॉइंटिंग। हाँ, एनहेक्सेन एनहेप्टेन हो गया, बेंजीन टोलुइन हो गया, है ना, यस। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल थे। अब लिखो बेटा आइडियल सॉल्यूशन के बारे में, फर्स्ट पॉइंट लिखो, इट नॉन आइडियल सॉल्यूशन डज नॉट ओबे रोल्स लॉ, लिखो, डज नॉट ओबे रोल्स लॉ। प्रिया बेटा क्या हो गया, नेटवर्क इश्यू हो रहा है क्या प्रिया पार्थी? यस मैम। अच्छा कोई नहीं, थोड़ा सा देख लेना, अगर मिस हो जाएगा तो रिकॉर्डिंग देख लेना। ठीक है बेटा, अच्छा ओके मैम। आइडियल सॉल्यूशन में हमने क्या देखा था बेटा, कि जो टोटल वेपर प्रेशर था वो किसके बराबर हुआ करता था, पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी, लेकिन जो इसमें हमारा टोटल प्रेशर है बेटा वो इक्वल नहीं होगा पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी के। Are you getting my point? Yes. मतलब अगर मान लो तुम्हारा कोई सवाल आ जाएगा जिसमें तुम पी नॉट ए काई ए ये निकाल रहे हो, लेकिन उसका जो टोटल प्रेशर दिया गया होगा वो इसके बराबर नहीं आएगा, या तो इससे ज्यादा आएगा, मतलब ऑब्जर्व बोले तो एक्सपेरिमेंटल, या तो एक्सपेरिमेंटल टोटल पेपर प्रेशर ज्यादा आएगा थ्योरिटिकल वैल्यू से या कम आएगा, वो अभी हम डिसाइड करेंगे कि क्या आएगा तो क्या होगा। ठीक है, एक बार ये पॉइंट लिख लो। ठीक है, उसके अलावा है बेटा जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं वो तुम्हारे दो तरीके के होते हैं, कौन कौन से, कौन कौन से, पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, आज का जो थ्योरी वाला पार्ट है ना बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी, तुम सारे क्वेश्चन बना लोगे आज की क्लास के। फ्रॉम रॉल्स लॉ यहाँ होगा नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, मतलब बेसिकली क्या करना है तुम्हें, आइडियल सॉल्यूशन में तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, नॉन आइडियल में क्या होगा, अब वो अपनी आइडियलिटी से डेविएट कर रहे हैं, आइडियल तो होता ही नहीं है वैसे कुछ। ठीक है, सो नॉन आइडियल भी क्या है, टू कैटेगरी में हमें इसको डिवाइड कर दिया गया है, फर्स्ट इज पॉजिटिव डेविएशन एंड सेकेंड इज नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, तो हमें इनके बारे में डिस्कस करना है कि पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है, नेगेटिव डेविएशन क्या होता है, ये हमें क्या करना है बेटा, डिस्कस करना है। इसको इसलिए जल्दी से लिख लो ताकि मैं फिर आगे चलूं बेटा, इसको जल्दी से लिख लो ताकि मैं आगे चलूं।
मेरे को बेटा यहाँ पे 36 स्टूडेंट्स हैं और सबके थम्स अप आने चाहिए, ठीक है? चलो ओके, चलो ऊपर हेडिंग डालो, ऊपर हेडिंग डालो मेरा बेटा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन, और इस तरीके से बीच में लाइन लगा लो नोटबुक के, ठीक है? जहां तुम नोट्स बना रहे हो बेटा वहां पे लाइन लगा लो इस तरीके से, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं बेटा, समझते हुए चलेंगे, रट्टा तो मैं मरवाऊंगी नहीं तुम्हें कभी भी, ठीक है? पहली चीज आती है पॉजिटिव डेविएशन में, क्या होता है बच्चे, जो आपका पार्शियल प्रेशर होता है ए वाला, लेट्स से कि ए और बी आपके लिक्विड है, उसमें क्या होता है, उन क्या होता है, वो ज्यादा होता है पीनोटे काइए से। मतलब जब तुम पीनोटे और काइए सोल्व करोगे तो वो क्या आएगा, उसकी वैल्यू कम आएगी पीए से, यानी कि जो ऑब्जर्व्ड पार्शियल प्रेशर है, वेपर प्रेशर है ए का, वो ज्यादा आएगा थ्योरिटिकल से, ठीक है? थ्योरिटिकल और ऑब्जर्व क्या होता है बेटा, ऑब्जर्व मतलब जो एक्सपेरिमेंटली हमें दिया गया है, एक्सपेरिमेंट से निकाल के दिया गया है, थ्योरिटिकल क्या होता है, जो हम अपने हाथ और पेन से सॉल्व करते हैं, ठीक है जी? यस मैम। ऐसे ही सेम बच्चे पीबी के केस में भी आप क्या बोलोगे, अगर मेरे पास ए और बी लिक्विड है तो पी भी क्या होगा, पी नॉट बी काई भी होगा, क्या होगा बेटा, पी नॉट बी काई भी होगा। तो मैं बोल सकती हूँ क्या कि हमारा फिर टोटल वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई भी बेटा? यस मैम। यानी कि जो टोटल प्रेशर ऑब्जर्व किया हुआ, जैसे मान लो, लेट से, सुनो ध्यान से, तुमने रोल्स लॉ के फॉर्मूले से ये निकाल लिया और तुम्हारा वेपर प्रेशर आया लेट से 150 आया, लेकिन जो एक्सपेरिमेंटली उन्होंने वेपर प्रेशर दिया वो कितना आया, लेट से 300 आ गया या 200 आ गया, 300 ज्यादा हो जाएगा, 200 आ गया, मतलब जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, जो टोटल वेपर प्रेशर ऑब्जर्व किया गया है, वो ज्यादा आया है थ्योरिटिकल से, ये मतलब है इसका, ठीक है? मैं वैसा हो क्यों रहा है, क्योंकि बेटा आइडियल बिहेवियर नहीं है ना, ये नॉन आइडियल है, मतलब इसमें कुछ ना कुछ लोचा हो रहा है, इसमें कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन हो रही होगी जिसकी वजह से वेपर प्रेशर का लोचा हो रहा है, ठीक है? अभी हम डिस्कस करेंगे कि क्या हो रहा है, ठीक है? अच्छा, सेकेंड बेटा लिखिए, सेकेंड पॉइंट लिखिए, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेस, लिखो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेस, लिखिए ये वाला पॉइंट, फिर सारे एक्सप्लेन करूंगी मैं एक साथ साथ। थर्ड पॉइंट लिखिए कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है AA और BB के बीच में वो लेस देन होती है, नहीं ज्यादा होती है AB से, लिखो एक बार। मतलब कहने का क्या मतलब है, इधर आओ, तुम्हारे पास एक लिक्विड A है एक लिक्विड B है, तो ए वाले में ए टाइप की इंटरेक्शन होगी, बीबी वाले में बीबी टाइप की इंटरेक्शन होगी, तो इन दोनों में जो इंटरेक्शन होती है वो ज्यादा स्ट्रोंग होती है किससे, जब तुम ए और बी को मिक्स कर दोगे, यानी कि मेरा बेटा जब तुम ए और बी को मिक्स कर दोगे तो उसमें जो दोस्ती होगी वो ज्यादा स्ट्रोंग नहीं होगी, उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगी। एक बार बताओ, जब तुम्हारे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होंगे तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा या कम होगा? वेरी गुड, ये वेरी गुड, तो यानी कि वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, और यही तो मैंने लिखा है, समझ में आई बात अब बेटा? सेकंड पॉइंट, सेकंड, अरे एक सेकंड एक सेकंड, सेकंड पॉइंट में बेटा मैंने शॉर्टकट में लिखा है, आप प्लीज उसको अच्छे से लिखो, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेस होगा, यही मतलब है मेरा, ठीक है? कि जब आप ए और बी को मिलाओगे तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब मैम ऐसे कौन कौन से एग्जांपल है वो भी मैं बताऊंगी, ठीक है? सिंपल सी बात ये है, तुमने ए लिया, तुमने बी लिया, ए बी को मिला दिया, अब ए बी के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रोंग नहीं है, तो मतलब कम टेम्परेचर में ही वो क्या कर जाएगा बेटा, बॉइल कर जाएगा, तो वेपर प्रेशर क्या होगा सोल्यूशन का, ज्यादा होगा, ये बोल दूंगा, ठीक है? ओके, समझ गए क्या नाम है उसका? ठीक है, उसके बाद देखो, अगर मैं बात करूं बेटा डेल्टा बी मिक्सिंग की, अब तुम खुद सोच के बताओ वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा, क्योंकि बेटा ए बी में इंटरेक्शन ज्यादा नहीं है, मतलब वो थोड़ा दूर दूर रह के खुश है, मानते हो ना? लेट्स से कि मेरे सामने तमनप्रीत और हर्षदा दिख रही है, ठीक है? मैंने तमनप्रीत और हर्षदा को साथ ला के रख दिया, लेकिन उसमें तो उनमें तो बॉन्डिंग स्ट्रोंग है ही नहीं,
ना ही तो तमनप्रीत को हर्षिता पसंद है, ना ही हर्षिता को तमनप्रीत पसंद है, तो वो क्या होना चाहेंगे, एक दूसरे से दूर होना चाहेंगे, तो दोनों के बीच में वॉल्यूम क्या है, स्पेस क्या है, बढ़ेगा बढ़ेगा। यहाँ पे भी तो यही हो रहा है, बताओ। चलो समझ में आ गया। अगर मैं बात करूंगी बेटा एंथैल्पी की, एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग बताओ भाई, एनर्जी में क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। पूर्वा और हर्षदा, सॉरी नहीं नहीं नहीं, कौन थी, हर्षदा और तमनप्रीत, हर्षदा और तमनप्रीत बॉन्ड फॉर्मेशन करना ही नहीं चाहते, है ना, इंटरेक्शन तो है ही नहीं, तो मतलब क्या होगा, मुझे जबरदस्ती इनको पास लाने के लिए, इनकी दोस्ती करवाने के लिए मुझे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो मतलब एंडोथर्मल। क्लियर है? चलो। यस मैम। अच्छा, उसके बाद बेटा डेल्टा एस मिक्सिंग क्या होगा, वो तो ग्रेटर देन जीरो होगा, फिर वो चाहे आपका आइडियल सॉल्यूशन है, नॉन आइडियल, क्यों, क्योंकि आप एक सॉल्यूशन में दूसरे सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हो, तो बेटा रैंडमनेस बढ़ेगी, तो एंट्रोपी भी बढ़ेगी, ठीक है जी। और जो डेल्टा जी मिक्सिंग होगा वो भी क्या होगा मेरा बेटा, लेस देन जीरो होगा, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है इस वजह से। जल्दी से लिखो एंड गिव मी थम्स अप। यस मैम, क्लियर है, हो गया मैम, बढ़िया था, इजी है। यस मैम, यस मैम, यस मैम। इसका क्या कर दो, उल्टा कर दो नेगेटिव में, ठीक है, तुम देखना खुद ही लिख लोगे। सबसे पहले नेगेटिव में क्या होगा, अरे सब कुछ नेगेटिव हो रहा है मैम, सब कुछ नेगेटिव हो रहा है, कर दो फिर, यानी कि यहाँ पे जो ऑब्जर्व वेपर प्रेशर है वो कम आने वाला है, तो पी ए भी कम होगा पी नोट एक आई ए से, और पी बी भी क्या होगा बेटा, कम होगा पी नोट कम होगा, तो यानी कि जो टोटल वेपर प्रेशर आएगा वो भी कम होगा मेरा बेटा, पी नोट एक आई ए प्लस पी नोट बी आई बी, ठीक है जी। सत्येंद्र आया है क्या, सत्येंद्र, इरफान, इरफान बेटा रेगुलर रहो, संचिता प्लीज रेगुलर रहो, और कौन है, स्नेहा तो आ गई, ठीक है, ऋषभ भी आ गया, देविशा भी आ गई, कौन नहीं आया फिर, कम है बच्चे। चलो सेकंड में आते हैं बेटा, यहाँ पे जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो क्या होगा, ज्यादा इंक्रीज होगा। यस yes. क्या हो गया बेटा मार्जिन क्या, एक मिनट तुम लोग लिखो, मार्जिन साइड में कहाँ लिखा, कहाँ पे बच्चे, अच्छा वो डेल्टा जी मिक्सिंग लेस देन जीरो बेटा, इधर देखो थर्ड पॉइंट क्या लिखोगे, कि जो ए ए और बी बी के बीच में इंटरेक्शन है अब वो वीक है ए बी से, यानी कि हर्षदा की जोड़ी तमनप्रीत के साथ तो नहीं बन रही थी, ठीक है, मतलब हर्षदा और तमनप्रीत को मैंने लाके खड़ा कर दिया, तो भैया घमासान युद्ध होने की क्या है उसमें पॉसिबिलिटी है, बट अगर मैं तमनप्रीत को अपेक्षा के साथ लेके आ जाऊं तो वो तो खुशी खुशी रहेंगे, क्योंकि दोनों भैया दोस्त होते हैं, बढ़िया वाले दोस्त है, तो यानी कि वो इंटरेक्ट करना चाहेंगे। ऐसे ही यहाँ पे है कि जब तुमने ए को बी में मिलाया तो ए बी के बीच में मस्त वाली क्या है, अट्रैक्शन है, इंटरेक्शन है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो जब उनका इंटरेक्शन इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, जब अपेक्षा की दोस्ती तमनप्रीत के साथ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो अगर किसी को इन दोनों की फ्रेंडशिप ब्रेक करनी होगी तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। सेम ए बी की इंटरेक्शन को अगर वीक करना है तो तुम्हें ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा बॉइल करने के लिए, इट मीन्स जो टोटल वेपर प्रेशर है बेटा वो कम हो जाएगा, यही फर्स्ट पॉइंट था बेटा, कि जो टोटल वेपर प्रेशर होगा वो कम आएगा। अब पल्ले पड़ा, बताओ। यस मैम। तो यानी कि अपने ना तुम डाउट्स लिख लिया करो क्लास में, कई बार क्या होता है ना बेटा, मेरे को क्लास के फ्लो के साथ चलना होता है, हो सकता है मान लो कोई मुझे कहे कि मैम ये दोबारा समझाओ, लाइक कोई मुझसे पूछे कि मैम तीन बार पूछ रहा है कोई मेरे से, बट ऐसा कई बार पॉसिबल नहीं होता कि मैं तीन बार एक ही चीज को बता दूं, तो आप उसको नोट डाउन कर लिया करो, ताकि क्लास में हम दोनों बैठ के डिस्कस कर सकते हो उस चीज को कि क्या समझ में नहीं आया, ठीक है बच्चे, तो ये वाली चीज आपको करनी है। ओके, सो फोर्थ पॉइंट में बेटा मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे, कि जो डेल्टा वी मिक्सिंग आप बताओ वो क्या होगा, लेस देन जीरो। यस मैम। क्योंकि तमनप्रीत और अपेक्षा क्या है, इंटरेक्शन ज्यादा है, तो वो पास आने चाहेंगे, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम कम हो जाएगा, और डेल्टा एच मिक्सिंग भी क्या होगी, एक्टोथर्मिक रिएक्शन होगी, क्योंकि जब बॉन्ड बनते हैं और स्ट्रॉन्ग बनते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, और डेल्टा एस मिक्सिंग क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो, एंड डेल्टा जी मिक्सिंग क्या होगा, लेस देन जीरो। क्लियर है बेटा मैम, एस मिक्सिंग ग्रेटर देन जीरो।
हाँ जी बच्चे, यस एंट्रोपी एंड गिव्स फ्री एनर्जी सेम रहेगा बेशक तुम्हारा सॉल्यूशन आइडियल है या नॉन आइडियल है बेटा। जम गई बात? यस मैम। यस मैम। ओके बहुत ही बढ़िया। अभी तो मुझे ग्राफ बनाना था, ये कहाँ से आ गया? चलो ये वाली स्लाइड छोड़ो, डायरेक्ट हम ग्राफ बनाएंगे अब, ठीक है? एक स्लाइड एक्स्ट्रा लग गई थी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे हमने बेटा आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ बनाया था, वैसे ही हम किसका ग्राफ बनाएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव डिफरेंशियल, ठीक है? तो एक बार मैं क्या कर रही हूँ, जो मैंने उसका ग्राफ बनाया था, क्या बोलते हैं आइडियल वाले का, वो मैं दोबारा बना रही हूँ और तुम लोगों को भी दोबारा बनाना है। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला था, काई ए जीरो काई बी वन, और यहाँ पे काई बी जीरो काई चाहिए बन, ठीक है? ऐसे बोला था। मान लेते हैं कि ए वाला क्या है, ज्यादा वोलेटाइल है, तो मैं इसको यहाँ दिखाऊंगी, और बी वाला कम है तो इसको बेटा यहाँ कहीं दिखा दूंगी, ठीक बात है? ठीक है, आइडियल में क्या था, आइडियल में ऐसा ग्राफ था क्या, बनाना एक बार। यस मैम। स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, ठीक है, और ये ऐसा था। बोलो जी हाँ या ना? यस मैम। अब पॉजिटिव डेविएशन में क्या है बेटा, हमारा जो ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर आया है वो ज्यादा आया है, तो क्या मैं इसको ग्राफ को कुछ ऐसे नहीं दिखाऊंगी, देखना है इसको। अरे एक मिनट रुको, मुझे पेन फिसल गया हाथ से, ऐसे दिखाऊंगी। यस मैम। ठीक है, और इसको भी देखो, पीबी वाले को भी ऐसे दिखाऊंगी, देखना, और पीए वाले को भी ऐसे दिखाऊंगी। यस मैम। गचड़ मचड़ मत कर देना अपनी नोटबुक में, प्यारा सा बनाना है, ठीक है? तुम कहते हो तो मैं कलर भी चेंज कर देती, कोई इश्यू नहीं है। आया समझ में? बोलो। यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब बनाते हैं सेम नेगेटिव डेविएशन के लिए भी। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, वेपर प्रेशर ही आएगा, और यहाँ पे भी क्या आएगा, काई ए जीरो काई बी वन और काई बी जीरो। बेटा मेरा नीचे अवंती का लोगो आया हुआ है, इसको प्लीज थोड़ा सा लिख लेना ढंग से अपनी नोटबुक में, तुम्हें समझ में आना चाहिए। काई ए वन हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे हम मान लेते हैं मेरा पी नोट भी है, क्योंकि ए मैं क्या मान के चल रहा हूँ, मेरा ज्यादा वोलेटाइल है, तो उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। तो इसमें कैसा ग्राफ आएगा आइडियल के केस में, जैसे पहले आया था, बनाओ। यस मैम, सेम आएगा, लेकिन वो ऊपर आएगा, फिर वो नीचे से आएगा। यस, वो लाइन के नीचे से। बताओ बच्चों, आराम से करते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं अपने को, ताकि सारी चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए, ठीक है? अब इसमें क्या हो जाएगा, नॉन आइडियल में क्या होगा, ग्राफ इस तरीके से आएगा, क्योंकि जो टोटल वेपर प्रेशर था बच्चे ऑब्जर्व, वो कम आ रहा है, तो मैं इसको ऐसे दिखाऊंगा, ठीक है? ये दिखा देती हूँ। यस मैम। ठीक है बच्चे, देखो ये ए वाले के लिए था, ये वाला बी वाले के लिए है, और ये हमारा टोटल है जो कम आ रहा है ना, पी नोट ए काई ए प्लस पी नोट बी काई बी, ठीक बात है? आराम से नोट डाउन कर लो, कोई जल्दी नहीं है, आराम से कर लो बच्चे, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ बहुत ज्यादा, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। अगर हो जाए तो प्लीज मुझे वो दे देना थम्स अप। ठीक है चलो आगे चलते हैं बेटा, क्लास प्लीज लीव मत करना, अगर कोई इशू है तो चलेगा, ठीक है? अब आते हैं बेटा हम एग्जांपल्स पे। मैम हाउ डज दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव अफेक्ट दिस सॉल्यूशन, अभी बताऊंगी, एग्जांपल से समझाऊंगी, एग्जांपल से। अभी तो मैं सिंपल बोलू, ए और बी ये है, फलाना फलाना है, इसके बीच में और इसके बीच में इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं है। अभी तो मैंने तमनप्रीत और अपेक्षा के एग्जाम्पल लिया और हर्षदा का,
अब केमिस्ट्री में मैं केमिकल्स का नाम लूंगी, ठीक है? चलो ठीक है, अब लिखते हैं एग्जाम्पल, कौन कौन से ऐसे एग्जाम्पल है जो पॉजिटिव दिखाते हैं और कौन कौन से ऐसे एग्जाम्पल है जो नेगेटिव दिखाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि रीजन क्या है पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन दिखाने का, लाइक अभी गिरजा ने जैसा पूछा मुझसे, ठीक है? सो बच्चे जनरली आपको क्या मिलेगा ना पॉजिटिव डेविएशन में, जनरली एल्कोहल देखने को मिलेगा, एल्कोहल और वॉटर, ठीक है? एल्कोहल और वॉटर जनरली देखने को मिलेगा, इसलिए कहीं पे भी एल्कोहल दिखा मिल जाए तो वहां पे बोल देना भैया ये तो पॉजिटिव डेविएशन में आता है, ठीक है? तो फर्स्ट एग्जाम्पल लिखिए बेटा, आपको सिर्फ एनसीईआरटी वाले करने हैं, बाकी जो मैं एक्स्ट्रा लिखवा रही हूँ वो भी आप कर लेना। लिखिए बच्चे C2H5OH, आप इथाइल एल्कोहल ले सकते हो, ठीक है? आप मिथेनॉल ले सकते हो और वॉटर ले सकते हो, इनके बीच में भी पॉजिटिव डेविएशन होगा। कैसे होगा वो मैं आगे चलते हूँ बताते हूँ, ठीक है? आप एल्कोहल के साथ एसीटोन ले लो बेटा, ठीक है? आप एल्कोहल के साथ साइक्लोहेक्सेन ले लो, ठीक है? आप एल्कोहल के साथ और ले लो कुछ भी, एनहेप्टेन ले लो। रटना नहीं है, मैं आपको बताऊंगी करना क्या है इसमें, किस तरीके से याद रखोगे। उसके बाद CH2 और एसीटोन ले लो बेटा, CH2 बोले तो कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है? इसके अलावा आप ये भी ले सकते हो क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है? तो ये सारे एग्जांपल तुम लोगों को पता होने चाहिए, ठीक है? याद कैसे रखोगे बेटा, याद ऐसे रखना जिसमें एल्कोहल हो या फिर CH2 हो या कहीं पे CCl4 दिख रहा हो तो वो पॉजिटिव डेविएशन में आ जाएगा। समझ आ रही है क्या बोल गई मैं? याद करने का तरीका है, क्योंकि पेपर में ना आप वहां पे बना बना के नहीं देखोगे किसमें इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग हो रही है किसमें वीक हो रही है, वो तो तुम्हें अभी मैं समझाऊंगी रीजन, बट पेपर में नहीं आप इतना बना के देख पाओगे। तो इसीलिए कह रही हूँ सिर्फ एनसीईआरटी वाला याद रखना, और ये चीज याद रखना अगर किसी में मान लो दो लिक्विड में से एक एल्कोहल हो या दो लिक्विड में से कोई एक CCl4 हो या किसी दो लिक्विड में से एक CH2 हो यानी कि कार्बन डाइसल्फाइड हो तो वो पॉजिटिव डेविएशन के अंदर आ जाएगा, ठीक है? चलो नेगेटिव डेविएशन का एग्जांपल लिखिए बच्चे, CHCl3 क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन। ये जो मैंने लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 हर साल, मतलब ये लगा लो हर एक साल अल्टरनेट ईयर्स पे रिपीट होता है ये वाला एग्जांपल। उसके अलावा फिनोल और एनिलीन, ये भी एग्जाम्पल है नेगेटिव डेविएशन का। उसके अलावा कहीं पे अगर मान लो एसिड आ जाए, बेशक वो नाइट्रिक एसिड हो, बेशक वो बेटा HCl हो, बेशक वो एसिटिक एसिड हो, तो वो किसके एग्जाम्पल हो जाते हैं बेटा? नेगेटिव डेविएशन के एग्जाम्पल हो जाते हैं, ठीक है? यस मैम। लिखिए इसको एक बार, फिर मैं समझाती हूँ कि मैम क्यों ऐसा क्या हो रहा है इनके अंदर कि ये पॉजिटिव डेविएशन के एग्जाम्पल है, ठीक है? नम्रता बेटा मेरे को होमवर्क शेयर कर देना करके, है ना? इस बार नहीं भेजा तुमने बेटा, एंड यू आर वन ऑफ द ब्राइट स्टूडेंट ऑफ माइन, तुम्हें ये चीज मालूम है। दीक्षा आप भी बेटा, जो मेरे को याद आ रहे हैं नेम, और जो बाकी बच्चे मेरे को बिल्कुल भी होमवर्क नहीं भेजते, या तो उसका रीजन बता देना बेटा, ठीक है? चलो चलो आगे। अगर कुछ मुश्किल लगा तो बताओ। अक्षय कुमार, ठीक है? अक्षय कुमार कैसे किया? हाँ जी अपूर्वा मैम, वो आपने फर्स्ट पॉइंट लिखाया था ना कि इसका वेपर प्रेशर से ज्यादा होगा, वो आपको ना जब आप वो करोगी ना बेटा न्यूमेरिकल, तो ये चीजें क्लियर आएंगी कि किस तरीके से मैम बोलना चाह रही है कि टोटल वेपर प्रेशर ज्यादा आता है। वो एक क्वेश्चन करेंगे तुम्हें क्लियर हो जाएगा, ठीक है? चलो यस, अब मैं चलती हूँ रीजन पे बेटा। अब रीजन मैं तुम्हें ये नहीं हूँ कि सारे एग्जाम्पल का रीजन बताने वाली हूँ, ठीक है? इसमें से कोई एक पॉपुलर वाला ले लेते हैं, लेट से हम ले लेते हैं ये वाला, क्योंकि ये वाला बहुत आता है पेपर में, ठीक है? पेपर में ड्रो नहीं करके दिखाना है, ठीक है? समझने के लिए समझना है आपको, बस ध्यान से सुनना। ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल फॉर पॉजिटिव डेविएशन में C2H5 और एसीटोन। एसीटोन क्या होता है बेटा? ये होता है CH3COCH3, ध्यान से सुनना। अच्छा अब मुझे ये बताओ बेटा, अगर मैं एल्कोहल की बात करूं
एल्कोहल की बात करूं तो मुझे ये बताओ कि एल्कोहल में क्या प्रेजेंट होती है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, यस और नो? यस मैम। क्या मैं ऐसे ऐसे दिखा सकती हूँ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग? ठीक है, अच्छा तो इसमें क्या है बच्चे, यहाँ पे है एक्सटेंसिव, लिखो एक्सटेंसिव इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस किस के बीच में होती है पता है ना तुम्हें, इलेक्ट्रोनेगेटिव और हाइड्रोजन के बीच में होती है। ठीक है, तो यस एक बात बताओ बेटा, अगर मान लो तुम्हारा लिक्विड लाइक एल्कोहल है, तो लिक्विड एल्कोहल एल्कोहल के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, यस और नो? यस मैम। ऐसे ही जो एसीटोन एसीटोन के मॉलिक्यूल्स होंगे उसमें डाइपोलर डाइपोलर इंटरेक्शंस होंगे। ठीक है, लेकिन बेटा एक बात बताओ, जब तुम ए को बी में मिलाओगे, यानी कि जब तुम एल्कोहल में एसीटोन डालोगे, तो ये एसीटोन तो टांग अड़ाने आ जाएगा बीच में, ये तो क्या करेगा, ये इसकी बॉन्डिंग वीक करना चाहेगा, हाँ या ना? यस सर। हाँ या ना? एल्कोहल एल्कोहल के मॉलिक्यूल्स में बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है। ठीक है, लेकिन जब तुम इधर आओ, जब तुम इसमें एसीटोन डाल दोगे, तो ये क्या करेगा, बॉन्डिंग वीक करेगा और खुद आके इंटरेक्ट करना चाहेगा एल्कोहल के साथ। बट हमें पता है एल्कोहल और एसीटोन के बीच में इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी एल्कोहल एल्कोहल के बीच में है, यस और नो? डेल्टा एच मिक्सिंग क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, बोलो हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। क्योंकि जब ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो इतनी एनर्जी रिलीज नहीं होगी जितनी तुम्हें इनके इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनके फोर्सेस को वीक करने के लिए एनर्जी दे दोगे, लगा दोगे, तो डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो होगा। तो यानी कि बेटा जब तुम एल्कोहल में एसीटोन डालोगे तो इंटरेक्शन स्ट्रोंग नहीं होगी, मतलब कम टेम्परेचर में ही सोल्यूशन बॉइल करने लगेगा, यानी कि वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, यस और नो? यस मैम। जो वेपर प्रेशर है, टोटल वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। अब आओ ये वाली बात दोबारा से देखो, क्या मैंने यही लिखा था, क्या मैंने यही लिखा था? यस मैम। तो यहाँ पे इसका, तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो कि जितने भी ये सारे एग्जांपल्स हैं, इनमें क्या होता है बेटा, जो टोटल वेपर प्रेशर होता है, जो एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर मुझे देखने को मिला, टोटल वेपर प्रेशर वो कुछ ज्यादा आया है। रीजन, क्योंकि जब तुम ए में बी को मिला रहे हो, यानी कि एल्कोहल में जब तुम वाटर को मिला रहे हो, तो दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग बेटा नहीं है, जिसकी वजह से जो टोटल वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, मेरा ज्यादा हो जाएगा। क्या ये चीज क्लियर हुई बेटा? चलो उसके बाद चलते हैं आगे, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स से इसका ले लेते हैं, नेगेटिव डेविएशन का ले ले, क्लोरोफॉर्म का ले लेते हैं और एसीटोन का ले लेते हैं। यस मैम। ठीक है, इधर आओ बच्चे, अब इधर देखो, एसीटोन तुम्हारा ये है, इसको मैं ऐसे दिखा रही हूँ, क्लोरोफॉर्म तुम्हारा ये है, इधर देखो बेटा अब क्या हो रहा है, इनके बीच में क्या हो रहा है, जब तुम एसीटोन और क्लोरोफॉर्म को मिलाओगे तो इनके बीच में क्या हो रही है बेटा, बोलो बोलो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यानी कि अब ये वाला कौन सा केस था जिसमें तमनप्रीत अपेक्षा की अच्छी फ्रेंड थी, तो मतलब जब तुम एसीटोन को क्लोरोफॉर्म में मिलाओगे तो उनकी जोड़ी क्या है, बहुत अच्छी है, उनमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है बेटा, स्ट्रॉन्ग है। अगर स्ट्रॉन्ग है तो इनको, इनकी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वीक करने के लिए तुम्हें ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाए। ठीक है, यस मैम। ऐसे ही बेटा जो तुम्हारा फिनोल और एनिलीन था, फिनोल और एनिलीन था, एनिलीन ये होता, अगर नहीं मालूम है तो टेंशन ही लेनी है मैम, हमें तो पता ही नहीं, कोई बात नहीं, धीरे धीरे आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी क्या होती है, जब आप फिनोल को एनिलीन में मिलाओगे बेटा, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ये भी किसका एग्जाम्पल है बेटा, नेगेटिव डेविएशन का, बोलो हाँ कि ना? और तुम्हें ज्यादा झंझट में नहीं पढ़नी मैम, पेपर में आएगा ना, हम ऐसे बना बना के देखेंगे किसके बीच में स्ट्रॉन्ग है वीक है, ऐसे करोगे ना पेपर हार्ट से निकल जाएगा। ये तो था समझाने के लिए, ताकि तुम रट्टा ना मारो। अब पेपर में कैसे करके आओगे, इधर आओ, पेपर में कैसे चाहिए, चार नंबर, पहले नेगेटिव डेविएशन सुनो,
ये वाला एग्जाम्पल तो दिमाग में रखना, तभी मैंने ये वाला समझा भी दिया है कि ये नेगेटिव डेविएशन का एग्जाम्पल होता है। इसके अलावा बेटा अगर तुम्हारे दो सॉल्यूशन में से, दो लिक्विड में से एक एसिड है, तो वो पक्का किस में आएगा, कौन सी कैटेगरी में आएगा मेरा बेटा, नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, इधर आओ। पॉजिटिव डेविएशन में अगर मान लो तुम्हारा दो लिक्विड में से एक एल्कोहल है, एक CH2 है या एक CCl4 है, तो वो कौन सी वाली कैटेगरी में आएगा, बोलो बोलो। पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन। करेक्ट। अगर पेपर में आ गया नंबर तो नहीं कटवा क्या होगे बेटा? नो मैम, नो मैम। ठीक है, ठीक है, तो मैं एक छोटा सा टेस्ट भी लूंगी, बट अभी नहीं, एक बार हमारा एजियोट्रोप रह गया वो कर लेते, फिर तुम्हारा टेस्ट लूंगी 6 नंबर का। ठीक है, चलो आ जाओ। एक बार फिर मैं रिपीट कर रही हूँ, शांति से सुनना मैंने क्या बताया है। कल मैंने आपको पढ़ाना स्टार्ट किया था आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन में मैंने ये बोला था, जिसको थोड़ी बहुत वो हो रही है कंफ्यूजन, तो ध्यान से सुनना। आइडियल सॉल्यूशन में मैंने कहा था कि आइडियल सॉल्यूशन मेरे रॉल्ट्स लॉ को फॉलो करता है। राउल्ट्स लॉ को फॉलो करने का क्या मतलब है, जो मेरा टोटल प्रेशर आ रहा है वो किसके बराबर था, पीनोट ए काइए प्लस पीनोट बी काइए। ठीक है, अच्छा उसमें क्या था अपना, डेल्टा जी मिक्सिंग, डेल्टा एच मिक्सिंग, इसमें तो कोई टेंशन नहीं है, वो तो सब में सेम है। डेल्टा एच मिक्सिंग, डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होता था, उसमें जीरो होता था। ठीक है, किसमें, आइडियल सोल्यूशन में, बात वही खत्म। बट नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होते हैं, नेचर में आइडियल सोल्यूशन जैसी कोई बात ही नहीं होती। ठीक है, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन कौन से होंगे, जो रोल्स लॉ को भी नहीं करते हैं, मतलब जो इस बात को नहीं मानते कि जो टोटल प्रेशर होगा वो पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई पी के बराबर होगा। तो हमने देखा दो तरह के नॉन आइडियल सॉल्यूशन हमें डिस्कस करने थे, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन में हमने देखा कि जब मैं ए को बी में मिलाऊंगी तो दोनों के बीच में जो दोस्ती है वो बिल्कुल ही कमजोर है, फूक भी मारोगे उनकी दोस्ती खत्म, मतलब कम इन एनर्जी में क्या हो जाएगा, कम टेम्परेचर में ही वो बॉयल हो जाएगा और वेपर प्रेशर उसका ज्यादा हो जाएगा। नेगेटिव में उल्टा है, नेगेटिव में फूक मारने से नहीं होगा, बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, ओके। सो पॉजिटिव डेविएशन में अपन ने क्या देखा, डेल्टा एच मिक्सिंग, डेल्टा वी मिक्सिंग ग्रेटर देन जीरो। नेगेटिव डेविएशन में अपन ने देखा डेल्टा वी मिक्सिंग एंड डेल्टा एच मिक्सिंग लेस देन जीरो होगा। एग्जाम्पल में क्या था, पॉजिटिव डेविएशन में अगर मान लो दोनों में से कोई एक लिक्विड एल्कोहल होता है या CCl4 है या CH2 है, तो वो पॉजिटिव डेविएशन वाली कैटेगरी में आ जाएगा। अगर नेगेटिव डेविएशन है तो एक तो क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का आपको ध्यान ही रखना है कि आना ही आना है, ऐसा आता है पेपर में। उसके अलावा दोनों लिक्विड में से कोई एक एसिड है तो वो किसका एग्जांपल हो जाएगा बेटा, नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। क्लियर हो गया, बढ़िया अब आते हम एजियोट्रोप पे। मैम ये एजियोट्रोप क्या होते हैं, तो पहले तुम्हें मैं अपनी लैंग्वेज में समझाऊंगी, देन ये अपन बुकिश लैंग्वेज पढ़ेंगे, एंड ये बहुत सिंपल है। मैं पहले लिख देती हूँ, नॉट सो इम्पोर्टेंट, अपनी नोटबुक में लिखो नॉट सो इम्पोर्टेंट, बट पेपर में क्वेश्चन आएगा, लेकिन बस एक ही चीज बताऊंगी तुम्हें, वही याद रखनी है। ठीक है, सुन लो पहले। देखो बेटा, तुमने 9th-10th में सिंपल डिस्टिलेशन का नाम सुना था, सिंपल डिस्टिलेशन सुना था क्या? अच्छा चलो, मान लो तुम्हें मैं, तुम लैब में हो, अभी मेरे पास कितने बच्चे ज्वाइन है, 37 स्टूडेंट्स हैं, तुम लैब में खड़े हो, ध्यान से सुनना, थोड़ा सा मैं टाइम लूंगी इस टॉपिक पे क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक है। ओके, तो मान लो तुम लोग लैब में खड़े हो, ठीक है, मैंने तुम्हें एक मिक्सचर दिया, क्या दिया, मिक्सचर। इस मिक्सचर में क्या है बेटा, एक तो वॉटर है और एक इथेनॉल है। ठीक है, इस मिक्सचर में क्या है, जो मैंने तुम्हें राउंड बॉटम फ्लास्क दिया है, इसमें मैंने पानी और इथेनॉल का तुम्हें मिक्सचर दिया है। ठीक है, मैं तुम्हें कह रही हूँ बेटा जाओ पानी को अलग करके आओ एंड इथेनॉल को अलग करके आओ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, क्या बोल रही हूँ मैं? Yes, मैं तुम्हें बोल रही हूँ बेटा जाओ पानी को अलग करके आओ और इथेनॉल को अलग करके आओ, मुझे दोनों चीजें दिखनी चाहिए भैया तुम्हारी। ठीक है, अच्छा फिर तुम तो गए चले अलग कर रहे, अब अलग कैसे करोगे, उस टेक्निक का नाम होता है आपका सिंपल डिस्टिलेशन या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आप यूज कर रहे हो उसमें। ठीक है, थ्योरी कोई नहीं पड़ेगा, पहले मेरी बात सुन लो। तो बेसिकली बेटा क्या होता है, एक सेटअप होता है, यहाँ पे तुम्हारा ऐसे राउंड बॉटम फ्लास्क होता है, ठीक है, नीचे यहाँ पे वायर गोज होता है, यहाँ पे बर्नर लगा होता है, और यहाँ पे क्या होता है, इसको मैं हटा देती हूँ। एक काम करना, गूगल पे फोन लेके बैठे हो ना, गूगल पे सर्च करना सिंपल डिस्टिलेशन, तुम्हें फोटो नजर आ जाएगी अच्छी से। ठीक है, स्क्रीन विजिबल नहीं है। अच्छा रीजॉइन करो,
मैम रीज्वाइन किया तब भी नहीं हो रही विजिबल। ये कैसे हो गया भाई, रीज्वाइन तो होने तो चाहिए बच्चे, नेटवर्क इश्यू होगा या तो। ठीक है चलो एक काम करो, गूगल मत करो, मैं ही समझाती हूँ। इधर आओ, तो इस तरीके से थोड़ा सेटअप होता है, ये तुम्हारा कंडेंसर होता है, ठीक है कंडेंसर होता है, यहाँ पे पाइप वाइप लगे होते हैं, इनलेट आउटलेट होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इस मिक्सचर में क्या है बेटा, वॉटर है और इथेनॉल है। क्या है मेरा बेटा, इथेनॉल है और वॉटर है। अगर तुम्हें पता हो कि वॉटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है लेकिन इसका 100 से कम होता है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस हाँ। एक बात बताओ, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वही जल्दी से इवेपोरेट हो जाएगा? और कंडेंस होके जो ये लिक्विड है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे तुम्हें क्या मिल जाएगा, इथेनॉल। और तुम खुशी खुशी मेरे पास आओगे कि मैम ये देखो, ये रहा मैम, ये देखो मैं इथेनॉल लेके आ गई या आ गया। तो मैं तुमसे पूछूंगी क्या ये 100% प्योर है इथेनॉल, तो तुम बोलोगे तुम बोलोगे, तुम मुझे बोलोगे यस मैम, मैं बोलूंगी तो 100% प्योर इथेनॉल तुम नहीं निकाल के लेके आ सकते बेटा, उसमें कुछ परसेंट पानी का तो होगा ही होगा। अगर मैं एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट की बात करूं तो तुम्हारे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि 95% यहाँ पे तुम्हें इथेनॉल मिलेगा, देख लेना अगर मैं परसेंटेज में थोड़ा ऊपर नीचे कर रही हूँ तो, और 5% तुम्हें वॉटर उसमें अभी भी प्रेजेंट होगा। यानी कि बेटा तुम्हें प्योर मिक्सचर तो मिलने से रहा, समझ आ गई? तो यानी कि बेटा तुम सिंपल डिस्टिलेशन से, ऐसे कुछ मिक्सचर होते हैं जिनको तुम सेपरेट आउट नहीं कर सकते हो, तुम्हें प्योर इथेनॉल या प्योर वाटर नहीं मिल सकता। तुम्हें मिलेंगे तो फिर दोनों मिलेंगे, 95% अगर इथेनॉल है तो 5% उसमें पानी भी होगा। तो ऐसे मिक्सचर को हम क्या कहते हैं बेटा, एजियोट्रोपिक मिक्सचर कहते हैं, जो कि हम डिस्टिलेशन से फर्दर प्योरीफाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एक कांस्टेंट टेम्परेचर, अब क्या होगा जो इनका मिक्सचर है ना, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉईल करेगा, मतलब एक बॉइलिंग पॉइंट उनका फिक्स हो जाएगा कि भैया इस पे हम लोग बॉईल करेंगे मिक्सचर, उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। ठीक है, और ये कौन से वाले एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कौन से सोल्यूशन दिखाते हैं, नॉन आइडियल सोल्यूशन। कौन से बेटा, एक बार इस पे पढ़ के देखते हैं क्या ये समझ में आ रही है अपने को। पहली चीज, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग लार्ज डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, ये तो हमें पता ही है कि जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है वो राउल्ट्स लॉ से डेविएशन दिखाते हैं। हमने देखा ना टोटल वेपर प्रेशर बराबर नहीं है, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं कोई बात नहीं बेटा मोनिका, जिसका नेटवर्क इशू हो रहा है वो रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है बेटा। ठीक है, तो हम जो ऐसे मिक्सचर होते हैं उनको हम डिस्टिलेशन से कंप्लीटली प्योरीफाई नहीं कर सकते। क्लियर है ये वाली बात? यस मैम, यस मैम। नहीं 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 हाँ हाँ, गिरिजा ने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि मैम अगर हमें एक काम पहले बताना, मैं सही बोलू ना गिरिजा, यही है तुम्हारा क्वेश्चन कि मैम जिसमें ऑलरेडी 95% इथेनॉल है अगर उसे दोबारा डिस्टिलेशन करें, नहीं सुन लो, अगर बेटा तुम्हारे पास 95% इथेनॉल है, तुम सोचो मैम उसको दोबारा डिस्टिलेट कर लेते हैं, क्या पता हमें और प्योर मिल जाए इथेनॉल, यही क्वेश्चन है ना तुम्हारा गिरजा? तो आंसर इज नो, ऐसी और आपको क्या करना पड़ेगा, फिर वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक से नहीं हो पाएगा, आपको कोई और टेक्निक यूज करनी पड़ेगी अगर आप चाहते हो कि ज्यादा से ज्यादा प्योर आपको इथेनॉल मिले। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से आप इसको और ज्यादा तो प्योर नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, ए सॉल्यूशन एट सर्टेन कंपोजिशन, मतलब अब क्या होगा, अब इस सॉल्यूशन का कुछ अपना परसेंटेज होगा, अपना कुछ कंपोजिशन होगा जिसपे वो क्या करेगा, बॉइल करेगा, यानी कि इसका एक कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट होगा जिसको हम बोलते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। ठीक है, ए सॉल्यूशन ऑफ सर्टेन कंपोजिशन विच कंटिन्यू टू बॉइल एट कांस्टेंट टेम्परेचर विदाउट चेंज इन कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब जो मोल फ्रैक्शन उसका है ठीक है। सो ध्यान रखना इसमें एक चीज क्या होती है, एक काम करो नोट डाउन कर लो, यहाँ पे वैसे लिखा हुआ है क्या, नहीं लिखा हुआ, अगर किसी को ये ड्रॉ करना है तो कर लो, क्योंकि मैं कुछ पॉइंट्स लिखवाने वाली हूँ बेटा आपको, वो आपको लिखने हैं। क्या मैं इसको इरेज कर दूं बेटा? यस मैम। हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, बट इसको समझाना वो टीचर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है।
ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है ये टॉपिक, बट अपने को कंफ्यूज नहीं होना है। चलो तो फर्स्ट पॉइंट लिखो बच्चे, लिखो, मैं बोल रही हूँ तुम लोगों को। बाइनरी मिक्सचर ऑफ वोलेटाइल लिक्विड, करो बच्चे, लिखो लिखो, बाइनरी मिक्सचर ऑफ, बाइनरी मिक्सचर ऑफ वोलेटाइल लिक्विड, बोला टाइल लिक्विड, वोलेटाइल का मतलब तो समझ रहे हो ना, जो वेपर बनाने की टेंडेंसी रखता है, एंड बी, लेट्स से कि मेरे पास ए और बी लिक्विड है, हैविंग हैविंग सेम कंपोजिशन, कंपोजिशन बोले तो मोल फ्रैक्शन, कंपोजिशन, हैविंग सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेस, लिक्विड एंड वेपर फेस, लिखो बेटा इस पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखो बेटा। जैसे मान लो मेरा जो काइए है, काइए क्या हुआ करता था, मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड सॉल्यूशन, लेट्स से वो 1/3 है, तो जब ये वेपर फेज में जाएगा तो उसका जो कंपोजिशन है, उसका जो मोल फ्रैक्शन, वो चेंज नहीं होगा, स्टिल रिमेन सेम। ऐसे ही मान लो अगर मेरा काई भी है, वो कितना है, लेट्स से 2/3 है, तो जो वाई भी होगा वो भी क्या होगा बेटा, मेरा 2/3 होगा, यस और नो? यही मतलब है कि जो इनकी कंपोजिशन है, जो इनका मोल फ्रैक्शन है, जो लिक्विड फेज में था, वही उनका क्या होगा बेटा, वेपर फेज में होगा, कंपोजिशन चेंज नहीं हो रही है, इसीलिए एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये क्या करेंगे, बॉयल करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने बोल दिया कि बेटा ये ना 90 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करेगा, तो 90 डिग्री सेल्सियस पे कौन बॉयल कर रहा है, वॉटर और इथेनॉल का मिक्सचर। ठीक है जी, चलो आगे लिखो। यस मैम, ये तो पॉइंट ऑलरेडी लिखा हुआ है कि एजियोट्रोपिक मिक्सचर कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया तुम्हें, तो ये वाला पॉइंट लिख लो, बाकी सारा इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, पानी पी लूं मैं, तुम भी पी लो। चलो आगे चले। अब ये तुम्हें मैं समझाऊंगी, फिर तुम अपने आप पढ़ लेना इसको। ये क्या लिख रहा है, एजियोट्रॉपिक विद मैक्सिमम प्रेशर एंड मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। तो बच्चे देखो, जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होते हैं ना, वो दो तरीके के हैं, एक तो होते हैं मिनिमम बॉइलिंग आइसोट्रोप, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, ये कौन दिखाते हैं, जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। ठीक है, जितने भी बेटा पॉजिटिव डेविएशन वाले एग्जाम्पल थे, वो सारे क्या दिखाएंगे, मिनिमम बॉइलिंग आइसोट्रोप। मैम ये क्या होता है अभी बताते, एक होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, एजियोट्रोप। बेटा जो हिंदी मीडियम से है वो प्लीज एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट कीजिए, वरना समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या करा रही हूँ। ठीक है, ये क्या दिखाएंगे, जो नेगेटिव डेविएशन के एग्जांपल थे ना, जो नेगेटिव डेविएशन के एग्जांपल थे, वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप दिखाएंगे। मैम ये होता क्या है, सिंपल है, नेगेटिव डेविएशन में बेटा अपने पास क्या था, याद करो कि जो ए बी की इंटरेक्शन थी वो स्ट्रॉन्ग थी ए और बी बी से। यस मैम, ठीक है, तो यानी कि उनका जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे भी जो आपके पास एजियोट्रोपिक मिक्सचर है, उनका बॉइलिंग पॉइंट, जो नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे, उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, वॉटर और नाइट्रिक एसिड। ठीक है, अगर अगर मैं बात करूं बेटा इनकी परसेंटेज प्योरिटी की, तो ये आपको 68% प्योर मिलता है, जिसमें से 32% इसका पानी भी होता है, समझ गए? तो प्योर नाइट्रिक एसिड तो आपको मिल रहा है सर। ठीक है, तो ये एक कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे बॉइल करेंगे। अब बेटा इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री होता है, इसका भी कुछ होता होगा। ठीक है, लेकिन जो इसका कॉन्स्टेंट, जो मैं बोल रही हूँ, जिस टेम्परेचर पे वो बॉइल करेंगे, वो क्या होगा, इनके इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट से क्या होगा, ज्यादा होगा। बोल रही हूँ मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोट्रोप। अब यहाँ पे पढ़ो, इधर आओ। व्हेन लिक्विड इन ए सॉल्यूशन डू नॉट हैव ग्रेट केमिकल एफिनिटी फॉर ईच अदर, दैट इज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियलिटी, देयर हायर एस्केप टेंडेंसी इंक्रीज इन वेपर प्रेशर मच मोर देन एक्सपेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्स। इन्होंने किसका एग्जाम्पल दिया ये अभी, पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव वाले डेविएशन वाले क्या दिखाएंगे, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप दिखाएंगे। ठीक है, ओके, बस ये आपको नहीं करना बेटा, ये जेई वाले बच्चों के लिए ये तुम्हें नहीं करना, क्योंकि मैंने ग्राफ नहीं पढ़ाना है इसका बेटा, बस इतना ध्यान रखना। ठीक है, नेगेटिव डेविएशन में देखो,
When liquid in a solution show negative deviation, their escape tendency, hence the vapor pressure decreases than expected on the basis of Rolle's law. In many cases, बस इसमें भी तुम्हें ये नहीं करना, बस यही करना. मतलब मोटा मोटी बात ये है बेटा, जो मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोट्रोप होंगे वो कौन दिखाएंगे, जो कि नेगेटिव डेविएशन वाले जो एग्जांपल मैंने नेगेटिव डेविएशन में दिखाए थे, वही तुम्हारा मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोट्रोप दिखाएगा. यानी कि जो मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो उनके इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट से क्या होगा मेरा बेटा, ज्यादा होगा. और मिनिमम बॉइलिंग आइसोट्रोप में कौन से होंगे, जो वो पॉजिटिव डेविएशन. बस इससे ज्यादा तुम्हें कुछ नहीं करना. मान लो बेशक तुम्हें और कुछ नहीं समझ में आया इसमें, कोई बात नहीं, ये तो समझ में आ गया ना, बस और कुछ नहीं करना. तो ठीक बात है. अब मैं तुम्हारा टेस्ट लेने वाली हूँ 6 नंबर का, तो एक बार फटाफट से रिवाइज कर लो बेटा. मैं देख लेती हूँ कुछ और तुम्हारा छुट्टा तो नहीं. एवरीथिंग इज कवर्ड, यस एवरीथिंग इज कवर्ड, जस्ट रिवाइज. ठीक है, मैं तुम्हें 30 सेकंड्स दे रही हूँ, सारा रिवाइज कर लो और फिर मैं तुमसे क्वेश्चन करवा के देखूंगी, देखती हूँ तुम कितने क्वेश्चन ठीक कर पाते हो आउट ऑफ 6. चलो मुझे बता देना अगर रिवाइज कर लिया हो तो. अपूर्वा, दीपा, अनिरुद्ध, अंकिता, अर्चना, ओम, अक्षय, ऋषभ, प्रिया, संचिता, गिरिजा, नम्रता, ऋषभ, काजल, करण, प्रियंका, रानी, सबका नाम ले लिया क्या मैंने, सिद्रा, शिव, चांदनी, प्रखर, आबू, चलो आगे चलते हैं बेटा. चलो बी रेडी फॉर 6 मार्क्स टेस्ट. सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर है, इसको सोल्व करो, जिसका सोल्व हो जाए वो हैंड रेज कर ले. एंड ये सारे तुम्हारे नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है. ठीक है, मैं लिख भी देती हूँ यहाँ पे. अब तुम देख लेना तुम कितना मेरा समझने के बाद नीट के प्रीवियस ईयर लगा पा रहे हो. वेरी गुड मेरे बच्चों, शाबाश. 10 स्टूडेंट्स रेज देयर हैंड, क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड. 14 स्टूडेंट्स, अरे क्या बात है. जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर डालो, जल्दी से आंसर डालो. बी कौन बोल रहा है भाई, बी वाले गलत है भाई. मैंने कहा था अगर दो लिक्विड में से एक भी एसिड हो जाता है तो वो नेगेटिव डेविएशन का एग्जांपल होता है. ठीक है, चलो आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर सेकंड करिए. जिसका होता जाए हैंड रेस कर दो बेटा. यस हो गया, क्या बात है. रानी मेरे को इसका आंसर बता बेटा. रानी मैम, हाँ जी मैम, ऑप्शन ए मैम. ऑप्शन ए क्या पूछा है इसमें वैसे. अच्छा रोल्स लॉ मैम. हाँ रोल्स लॉ को कौन फॉलो करता है, ए आई है इसका आंसर. हाँ जी बच्चों, ए आएगा क्या? नो मैम, नो मैम, नो मैम. क्या आएगा फिर? मैम सी ऑप्शन. सी रोल्स लॉ कौन होता है जो आइडल सॉल्यूशन ओबे करता है, और आइडल सॉल्यूशन में मैंने कहा था इंटरेक्शन सेम होती है बेटा. बंदे पढ़ते नहीं हो तुम लोग. क्वेश्चन नंबर 3 करो. अपूर्वा, शायद वो तुम्हारा डाउट था ना बेटा कि टोटल प्रेशर जो है वो कैसे ज्यादा या कम होगा, ये वही क्वेश्चन है.
ठीक है, एक बार इसको ट्राई करके देखिए। वो तो मैं बोल रहा था, खांसी उठ कर उसे दीजिए। दीपा पांडे बेटा एक बार माइक अनम्यूट, सॉरी म्यूट करना बेटा। सबसे पहले तो तू अपना रियल नेम बता मेरे को बेटा। अनामिका है, अनामिका, अनामिका क्लास में है। हाँ महेश, ओके महेश। ओम आप बताओ बेटा इसका आंसर। मैम स्क्रीन नहीं दिख रही। अंकिता एक बार रीजॉइन करो बेटा एक बार। नेटवर्क इश्यू होगा बेटा फिर पक्का, क्योंकि स्क्रीन तो दिखनी चाहिए। हुआ ये किसी का क्वेश्चन बेटा? यस मैम। वेरी गुड, अपूर्वा बताओ। मैम ऑप्शन ए। ऑप्शन ए कैसे किया, सोल्व करके बताओ, मतलब मुझे बता। मैम इससे टोटल प्रेशर निकाला तो पी ए नॉट का ए प्लस पी बी नॉट का ए से, तो सारी वैल्यूज पुट करके आंसर 200 आया जो कि 580 से कम है। तो जो कम वाला आता है वो नेगेटिव डेविएशन शो करता है, तो इसका एग्जांपल फिर हम देखा। ठीक है, कितना आ रहा है ये सोल्व करने के बाद? पी नॉट ए 300 है, का ए 0.4 है और ये हो जाएगा 0.6। तो कितना आ रहा है सोल्व करने के बाद? 200। कितना? No, ma'am. 600. तो यानी कि बेटा इधर आओ, यानी कि जो ऑब्जर्व्ड वाला वेपर प्रेशर है वो मेरा कम आ रहा है थ्योरेटिकल वाले से, मानते हो कि नहीं? यस मैम। तो यानी कि ये किसका एग्जांपल हुआ फिर, नेगेटिव डेविएशन? यस मैम। अब क्वेश्चन बहुत अच्छा है ना ये वाला, तो अब नेगेटिव डेविएशन का एग्जांपल ढूंढो मैम। मैंने तो चिल्ला चिल्ला के बोला था ये एग्जांपल याद कर लो, ठीक है? क्योंकि ये किसके एग्जांपल है, ये तीनों के तीनों आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल है, पी सी डी। ठीक है, अगर मान लो ये 600, ये 580 ही आ जाता तो फिर वो आइडियल सॉल्यूशन बन जाता। समझ में आया वो वाला पॉइंट जो मैंने लिखवाया था उसमें? यस मैम। शाबाश। चलो देखो तीन क्वेश्चन कितने आराम से कर लिए तुमने। चलो आओ ये वाला क्वेश्चन करो। हो गया, वेरी गुड, जिसका हो गया बहुत अच्छी बात है। करो करो जल्दी से हैंड रेज करो, शाबाश। वेरी गुड, जानवी आप बताइए। जानवी यादव आप बताइए बेटा। मैम आवाज नहीं आ रही है। डी ऑप्शन मैम। वेरी गुड, डी ऑप्शन, क्योंकि एंट्रोपी मिक्सिंग क्या होता था, ग्रेटर देन जीरो होता था, तो वेरी गुड। यस मैम। चलो ये वाला क्वेश्चन कर दो। कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है ना? यस मैम। क्योंकि मैंने कहा था ये टॉपिक मुश्किल नहीं है, आराम से कर लोगे तुम लोग। जिसको मजा नहीं आ रहा वो भी बता सकता है, उसको फिर पढ़ना पड़ेगा दोबारा से घर जाके। नम्रता क्या हो गया बच्चे, स्क्रीन विजिबल तो होनी चाहिए अपने को। मजा नहीं आ रहा है फिर तो बेटा, इसका मतलब तुमने सुना ही नहीं है ध्यान से, ठीक है? अगर तुमने एंजॉय नहीं किया इस लेक्चर को, इसका मतलब तुम्हें पहले वाले लेक्चर भी समझ में नहीं आया है महेश, ठीक है? चलो मतलब पढ़ते ही नहीं हो।
बेटा देखो आई कैन अंडरस्टैंड, ठीक है, कि कुछ बच्चों का हिंदी में है, लाइक और भी बच्चे हैं जो मुझे रीच आउट किया है जिन्होंने हिंदी में, बट आपको भी पता है फॉर मी हिंदी में पढ़ा पाना इट्स नॉट पॉसिबल, समझ रहे हो? अब मेरे को तो पता ही नहीं कि इसको क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में क्या ट्रांसलेट करते हैं, समझ रहे हो? तो ऐसे केस में आपको क्या करना है? हाँ बेटा मैं समझ रही हूँ महेश तुम्हारी बात। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, जो मैं हिंदी में बोलती हूँ वो आपको अपने एनसीईआरटी में पढ़ना पड़ेगा। अगर लेट्स से कि आज मैं ये टॉपिक करा रही हूँ, अगर तुमने दो दिन तक उसको अपनी एनसीईआरटी से नहीं पढ़ा, मैं बोलूँ सेम दिन सेम डे तुमने उसको एनसीईआरटी में से नहीं पढ़ा, तो बेटा वैसे ही कुछ समझ में नहीं आएगा, और आधा चैप्टर तो ये हो चुका ऑलरेडी। हाँ स्कूल में तो आएगा क्योंकि वो आपको हिंदी में करा रहे हैं, कहीं से भी आ रहा है कहीं से तो आना चाहिए ना, ठीक है? सो ऐसे टीचर से पढ़ो जिनका समझ में आता है, ठीक है? ओके, सिर्फ अटेंडेंस के लिए आना कोई जरूरत नहीं है बेटा, है ना? चलो ये पढ़ो, हो गया ये वाला क्वेश्चन? यस मैम। यस मैम। क्या आ रहा है मैम? सी ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। बी आ रहा है डी मैम। डी बैट्समैन वाला बी। बी कैसे आएगा मैम? सी ऑप्शन मैम। बी आ रहा है। इधर देखो टोटल प्रेशर क्या होगा, पी नोट ए का ये यस मैम प्लस पी नोट बी और आपका काई बी क्या हो जाएगा ये, ठीक है? कितना आ रहा है इसको सॉल्व करने पे? 32 104 104 आ रहा है, ठीक है? जो अब क्या होगा फिर, जो टोटल प्रेशर है मतलब जो ऑब्जर्व्ड प्रेशर है हमारे पास वो कम है ना थ्योरेटिकल वाले से, तो बताओ थोड़ा फिर नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन यस नेगेटिव डेविएशन होगा, ठीक है? ये वाला क्वेश्चन कीजिए। नहीं समझ में आया क्या वो क्वेश्चन क्या था इसमें, बताओ कहाँ क्या गलती हो रही है? ये वाला करो, इनकरेक्ट फॉर आइडियल सॉल्यूशन बेटा। मैम ए ऑप्शन। ऑप्शन ए मैम। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। यस मैम ऑप्शन ए। ठीक है सो ये तुम्हारे क्या थे, कुछ 6 क्वेश्चन थे जो कि मैंने जितना पढ़ाया है उस पे बेस्ड थे, तो आई होप हो गए हो सारे के सारे क्वेश्चन, ठीक है? और मैम इसमें तो पॉजिटिव डेविएशन कम है और नेगेटिव ज्यादा है ना, सीटी भी आ सकते है ना? क्या 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 कोई बात नहीं में। कोई बात नहीं, थोड़ा सा भी ज्यादा हो हमें क्या करना, ज्यादा तो आ रहा है ना, ठीक है? ठीक है जब मैं इसको सोल्व कर रही हूँ ज्यादा तो आ ही रहा है, चाहे बेशक 4 mmHg प्रेशर ज्यादा आ रहा हो, ठीक है? तो वो नेगेटिव डेविएशन वाली कैटेगरी में आ जाएगा और ये तो वैसे अपना नेगेटिव था, ठीक है? चलो ओके अभी हमारे पास टाइम है तो हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं बेटा। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे तो सबसे पहले तुम लिखो मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन तो आने ही वाला है तुम्हारे 2025 में, ठीक है? अब मैम ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती क्या है? देखो सबसे पहले हम बात करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, बेसिकली वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो किस पे डिपेंड होती है, वो सिर्फ डिपेंड करती हैं टोटल नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। बेटा स्क्रीन इज नॉट विजिबल, मैं क्या करूं बेटा इसमें, है ना? क्योंकि नेटवर्क का इश्यू है तो साइड आप लोगों की साइड से होगा ना, ठीक है? सो बेसिकली जो आपके कुछ ऐसे सॉल्यूशन होते हैं ना बच्चे, जो क्या होते हैं पानी में डालने के बाद डिसोसिएट हो जाते हैं, लाइक मान लेते हैं लेट्स से NaCl है, ठीक है? तो जब इसको पानी में डालोगे तो Na प्लस Cl नेगेटिव मिलेगा, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 2 पार्टिकल, हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है ना बेसिकली, तो
जो सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी होगी ना वो सिर्फ डिपेंड करेगी टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स कितने मिल रहे हैं आफ्टर डिसोसिएशन, ठीक है। या आप बोल सकते हो कि कॉन्सेंट्रेशन क्या है पार्टिकल्स की सॉल्यूशन पे, उस पर डिपेंड करेगी, ना कि उसके शेप पे डिपेंड करेगी कि आपके पार्टिकल बोले तो एटम आयन मॉलिक्यूल का शेप क्या है, उनका साइज क्या है, छोटा साइज है बड़ा साइज है, उन पे चार्ज है या नहीं है, इन पे वो डिपेंड नहीं करेगी। वो डिपेंड करेगी कि भैया कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो है, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, टोटल नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स बोल दो, कंसंट्रेशन बोल दो, मोल फ्रैक्शन बोल दो, उस पे वो डिपेंड करेगा, ठीक है, और किसी चीज पे डिपेंड नहीं करेगा। हाँ, सॉल्वेंट के नेचर पे भी डिपेंड कर सकता है, लिख लो आपका सॉल्वेंट क्या है उस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो यानी कि बेटा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज हैं जो सिर्फ किस पे डिपेंड करेंगी, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करेंगी, या यू कैन से कि कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी, या तुम बोल सकते हो मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करेगी। बच्चे जिसका नेटवर्क इश्यू हो रहा है, अब मैं क्या कर सकती हूँ बेटा, आप रिकॉर्डिंग देख लेना इन दैट केस, ठीक है। और अगर मान लो नेटवर्क इश्यू आपके डेटा की वजह से हो रहा है तो मेक श्योर आपका डेटा रहे, क्योंकि मैं तो बेटा क्लास एक्सटेंड करूंगी और आगे जाके आपके एक दिन में दो क्लासेस भी लगेंगी, फिर वहां पे कैसे करोगे आप, ठीक है। फिर वहां पे आपको हमेशा रिकॉर्डिंग जाके देखनी पड़ेगी, ठीक है। हो जाएगा ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन आती है स्कूल के एग्जाम में, तो यही लिख के आ जाना, दो नंबर मिल जाएंगे, ठीक है, ओके। और ये किसके लिए बेटा, फॉर डायल्यूट सॉल्यूशन, मैं नीचे लिख देती हूँ, फॉर डायल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है। तो बेसिकली कितने टाइप्स की कोलिगेटिव कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपको पढ़नी है, तो चार टाइप की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज तुम्हें यहाँ पे पढ़नी है। फर्स्ट, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। सेकंड, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड, ऑस्मोटिक प्रेशर, नहीं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, क्योंकि सीक्वेंस में ही पढ़ेंगे बेटा अपन, एंड इसमें मुझे कम से कम 3 घंटे लगेंगे इन सारी प्रॉपर्टीज को कराने में, 3 से 4 घंटे, एंड आपका ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है जी। तो ये सब हमें क्या पढ़नी है बेटा, डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो ये चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। मैम ये होती क्या है, ये हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ठीक बात है, बोलो हाँ या ना। यस मैम। ओके, सो बेसिकली थोड़ा बहुत पढ़ लो बेटा। एक चीज याद है आपको, रोल्स लॉ में मैंने आपको बताया था कि जब आपके दोनों वोलेटाइल लिक्विड होंगे तो क्या होगा, याद है? Yes, ma'am. तो बेसिकली ये आइडियल सॉल्यूशन के लिए है, क्योंकि वो भी डाइल्यूट सॉल्यूशन पे एप्लीकेबल था, मतलब इसमें भी हम डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए ही डिस्कस करने वाले हैं। तो एक बात बताओ, अगर मान लो मैं एक केस ले लेती हूँ सोलिड इन लिक्विड का, सोलिड इन लिक्विड बोले तो सोलिड क्या आपका नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, और ये क्या होगा बच्चे, सॉल्वेंट, नॉट सॉल्यूट, एक सॉल्यूट होगा एक सॉल्वेंट होगा, ठीक है। अच्छा, नॉन वोलेटाइल बोले तो जो उड़ेगा नहीं, यस, जो वेपर की टेंडेंसी नहीं रखता, जो वेपर नहीं बनाएगा, और ये क्या होगा, उड़ेगा, जो उड़ेगा। एक बात बताओ, उड़ेगा, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, पहले मेरे पास क्या है, सिर्फ सॉल्वेंट है, लेट्स से मेरे पास कोई एक ए सॉल्वेंट है, ठीक है। तो जो सारा का सारा वेपर प्रेशर आएगा वो एक ही वजह से आएगा, लेट्स से वो पी नॉट ए होगा, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको बहुत बार। यस मैम। लेकिन बेटा जब मैं उसके अंदर कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल देती हूँ तो क्या होगा, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालने से अगर मेरे पास पहले सरफेस पे सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल्स थे, अब किसके आ गए हैं, बी के भी आ गए हैं, लेट्स से बी मेरा नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, तो अब वो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट क्या करेगा, ए के मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करेगा, उसको खींचेगा इधर उधर से,
तो यानी कि जो टेंडेंसी है ए की वेपर बनाने की वो क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। तो यानी कि व्हेन, लिखो, व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड देन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस। बात ठीक है कि जब तुम कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करोगे तो जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि पहले सरफेस पे सिर्फ पानी के मॉलिक्यूल थे, अब तुमने उसके अंदर क्या डाल दिया, कोई सॉल्यूट डाल दिया है। ठीक है, अब क्या होगा, वो वाटर के मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन तो होगी अगर तुमने कुछ डाला है तो। ठीक है, जो पहले सरफेस पे सिर्फ पानी के मॉलिक्यूल से अब सॉल्यूट के भी मॉलिक्यूल्स आ गए, तो जो ए की जो वेपर बनने की टेंडेंसी थी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी कि जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाएगा बेटा, अब कम हो जाएगा। ठीक है, चलो एक और चीज मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगी, बस थोड़ा सा बता रही हूँ, पूरा एक्सप्लेन मैं नेक्स्ट क्लास में ही करूंगी, मैं आपको सारा कुछ नहीं बता रही क्योंकि टाइम कम है। तो बेटा अगर मैं टोटल वेपर प्रेशर की बात करूं तो मेरा प्रेशर किसकी वजह से होना चाहिए था, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, बट बेटा ये तो मेरा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का तो प्रेशर होगा ही नहीं, तो ये तो जीरो होगा, यस और नो। तो यानी कि बेटा जो मेरा टोटल वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का, लिखो यहाँ पे, जो टोटल वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का वो सारा का सारा किसकी वजह से होगा बेटा, सॉल्वेंट की वजह से होगा, यस और नो। यस मैम, सिंपल है, कुछ ज्यादा नहीं है। अच्छा, और मैंने तुम्हें बताया था कि अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ हमारे पास क्या होता था, पीओ सॉल्वेंट इज इक्वल टू, इसको कैसे लिख सकते हैं, पी नोट सॉल्वेंट इंटू काई ऑफ सॉल्वेंट, यस और नो। यस मैम, तो इसको ऐसे लिख दूं, जो मेरा टोटल वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा, पी नोट ऑफ सॉल्वेंट इनटू काई ऑफ सॉल्वेंट, यस और नो मेरे बच्चों। यस मैम। ठीक है, अच्छा इसको थोड़ा रीअरेंज कर ले, मान लेते हैं अब ये टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन मेरा क्या है, इसको मैं पीएस से डिनोट कर देती हूँ क्योंकि तुम्हारी बुक्स में पीएस लिखा हुआ है ताकि तुम कंफ्यूज ना हो। ठीक बात है जी। अच्छा, यस मैम, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ बेटा, काई ऑफ सॉल्वेंट को क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, वन माइनस काई ऑफ सॉल्यूट। यस मैम। ठीक है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, पीएस बाय पी नोट वन माइनस काई ऑफ सॉल्यूट। यस मैम। अच्छा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ क्या, कि काई ऑफ सॉल्यूट वन माइनस पीएस बाय पी नोट। यस मैम। इसको मैं क्या ले गई, इसको मैं यहाँ ले गई, इसको मैं यहाँ ले गई, सिंपल मैथ, कुछ भी नहीं किया मैंने। यस और नो। यस मैम। ठीक है, इतना आ गया, क्या आया मेरे पास, काई ऑफ सॉल्यूट वन माइनस पी एस बाय पी नोट आ गया। क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, पी नोट माइनस पी एस डिवाइडेड बाय पी नोट इज इक्वल टू काई ऑफ सॉल्यूट, यस और नो। यस मैम। ये क्या है बेटा मेरे पास, ये हेयर पी नोट माइनस पी एस डिवाइडेड बाय पी नोट, ये क्या है, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, क्या है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव का मतलब क्या होता है बेटा, किसी के रिस्पेक्ट में देखना, और हम किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं कि हमारा कितना कम हुआ वेपर प्रेशर। Yes, ma'am. और जो रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो किसके इक्वल है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यानी कि अभी तो मैंने बताया था कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ, किस पे डिपेंड करती है, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे, तो जितना तुम्हारा सॉल्यूट पार्टिकल्स होगा उतना तुम्हारा वेपर प्रेशर कम होगा, हेंस रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, यस और नो। मतलब जितना तुम इस पानी में नमक डालते जाओगे, सॉल्यूट कोई भी ले लो, नमक ले लो, चीनी ले लो, जितना तुम लेते जाओगे तो उतना ही वेपर प्रेशर उसका क्या होता जाएगा बेटा, कम होता जाएगा। कम होता जाएगा।
एंड पी नॉट माइनस पी एस क्या है, ये है तुम्हारा लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, क्या है बेटा लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लेकिन पी नॉट माइनस पी एस बाय पी नॉट क्या था, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और काई ऑफ सोल्यूट क्या है बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस मोल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट। ठीक है, क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट क्या होंगे, ज्यादा होंगे सॉल्यूट से, तो तुम इसको क्या कर सकते हो, नेगलेक्ट कर दो। बोलो हाँ या ना। yes, ठीक बात है। yes, ma'am. ठीक है, अच्छा। एक तो तुम्हें ये वाला फॉर्मूला याद रखना बेटा, एक तुम्हें क्या याद रखना है, P नोट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नोट। बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को मैं ऐसे लिख दू, गिवन मास बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट लिख सकती हूँ ना, नंबर ऑफ मोल्स बाय मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास। ऐसे ही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट को मैं क्या लिख सकती हूँ, गिवन मास बाय मोलर मास। यस और नो? यस मैम। यानी कि यहाँ पे लिखो, मेरे पास जगह नहीं है, लिखो बेटा मैं बोल रही हूँ, लिखो डब्ल्यू टू क्या है बेटा, W2 लिखो मास ऑफ सोल्यूट है, लिखो। M2 क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट है, लिखो बेटा, क्योंकि तुम मेरे को पता बाद में भूल जाओगे। W1 क्या है बेटा, मास ऑफ सॉल्वेंट है। और M1 क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ये लिख लो बस, अभी सिर्फ ये लिख लो, नेक्स्ट क्लास में मैं इसको दोबारा से बताऊंगी और क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्योंकि एक एक टर्म का मतलब पता होना चाहिए, ऐसा नहीं सिर्फ फॉर्मूले को रट्टा मार लिया, ना ना ना। फॉर्मूले में है क्या, पी नोट क्या है, पी नोट क्या है, वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट, पी एस क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, तो ये सब चीजें तुम लोगों को मालूम होनी चाहिए बेटा। ठीक बात है क्या, जल्दी से मुझे समझो, और एक बच्चा एक ही बार दे मेरे को, ताकि पता लगे कि कौन कौन एक्टिव बैठा है क्लास में। ओके अपूर्वा, ठीक है, यस मैम। मोनिका, मोनिका का तो आई गेस नेटवर्क इशू हो गया था। ठीक है, बाकी ये क्वेश्चंस वगैरह हम कल कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी सिर्फ उतना सीखो जितना मैंने पढ़ाया है। ठीक है, यस मैम। यस, ओके। सो बेसिकली ये तुम्हारे क्या है, होमवर्क है, ये आपको करना है। ठीक है, 7 क्वेश्चन है, पहले आप इनको करना, देन आंसर की देखना, पहले मत नहीं देखनी आप। ठीक है, हाँ हर्षिता। yes, बोलो हर्षिता, बोलो मैम। वो होमवर्क में जो आपने 10th क्वेश्चन भेजा था वो एक बार समझा दो ना, वो समझ में नहीं आया। अरे बच्चे को समझ में आना ही नहीं था, क्योंकि मैंने उसको पढ़ाया ही नहीं था। अब करोगी अब हो जाएगा। ठीक है, आज पढ़ाया ना बेटा मैंने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वाला, तो अब हो जाएगा वो क्वेश्चन। ठीक है, तो आज बेसिकली हमने क्या किया। हाँ हाँ बोलो मैम। वो अलग क्वेश्चन है आई थिंक, वो पेंटेन और हेक्सेन का। कौन से वाला? Question 10, solution has a ratio 1:4 mole ratio of pentane and hexane. अच्छा, मुझे भेज दो वो question। अच्छा हाँ, वो different है, please मुझे भेज दो हर्षिता, मैं अभी कराती हूँ। ठीक है, so basically okay. अपेक्षा हमने आज क्या क्या किया, नॉन आइडियल सोल्यूशन किया, और क्या किया बेटा? नॉन आइडियल सोल्यूशन और वो different किया, negative deviation. पॉजिटिव डेविएशन के एग्जांपल दो, कोई भी, एनी टू एग्जांपल्स। हाँ मैम, C2H5OH प्लस H2O मैम। ठीक है, वेरी गुड। और नेगेटिव डेविएशन का दे दो एक एग्जांपल मैम, सी एच
Cl3 प्लस एसीटोन. वेरी गुड. ठीक है, सो ये आपको सारे याद होने चाहिए, हालांकि मैंने एक पूछा है. एंड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को अच्छे से आप पढ़ के आओगे. इसको मैं दोबारा भी पढ़ाऊंगी, बट फॉर्मूला डिराइव नहीं कराऊंगी. जैसे मैंने डिराइव कराया उसमें मैं डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करूंगी, इसको समझा के क्वेश्चन पे जंप करेंगे. ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को कंप्लीट करेंगे, साथ ही साथ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो कंप्लीट कर लेंगे. ठीक है, एंड आपके कुछ क्वेश्चन है ये भी मत करना, करने को कर सकते हो ट्राई, हो जाए तो अच्छी बात है, वरना मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी. डीपीपी जरूर कर लेना. Yes, ma'am. Yes, तो ये बेसिकली अपनी डीपीपी नंबर 4 है.